हंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वत्सायाणम नमो वत्सायाणम नमो लोए सव साहुणम नमो लोए सव साहुणम ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमुकारो तब पावपणासनो तब पावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिं मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान ने साक्षी है प्रत्यक्ष दादा भगवान ने साक्षी है वर्तमाने महाविदे क्षेत्र मा विचरता वर्तमाने महाविदे क्षेत्र मा विचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छु अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छु वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छु अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छु 33 कोटी देवी देवताओं ने 33 कोटी देवी देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छु अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छु वितराग शासन देवी देवताओं ने वितराग शासन देवी देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छु अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छु निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करती हूँ इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करती हूँ जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे जगत कल्याण हो 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 निज स्वभाव से सदगुरु निज स्वभाव से सदगुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है गुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्मतमा
सीता परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वंद्यः सत्यम निश्चय वंद्यः तैत्रिश कोटि दैवगण तैत्रिश कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् विश्वहितार्थे स्वागतम् जगकल्याणकयाग्नमे मंगलमय जो आशिषम मंगलमय द्यो आशिषम सिद्ध स्वरूपी मूर्त मोक्ष सिद्ध स्वरूपी मूर्त मोक्ष गलती भूल को माफ दो गलती भूल को माफ दो व्यवहारे सदबुद्धि हो व्यवहारे सदबुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि दो निश्चय में अभिवृद्धि दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे श्री पद्मावती माँ हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हमें सब आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करी हमें सब आपने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करी अने प्रार्थना करिए छे के अने प्रार्थना करिए छे के हम सर्वे महात्माओं ने हम सर्वे महात्माओं ने मोक्ष मार्ग ने लायक अने सहायक संजोगो अने सहायक संजोगो प्राप्त था प्राप्त था प्राप्त था प्राप्त था प्राप्त था प्राप्त था हे श्री अम्बे माँ हे श्री अम्बे माँ हे श्री भद्रकाली माँ हे श्री भद्रकाली माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसी स्यादवाद वाणी ऐसी स्यादवाद वाणी स्यादवाद वर्तन स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मनन करने की और स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति दो परम शक्ति दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सबसे पहले आप सभी को सभी साइंटिस्टों मुमुक्षु महात्माओं को नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबका जीवन धर्ममय मंगलमय और आध्यात्मिक विकास करना रहा बना रहे आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे परिवार में एकता शांति और समाधान रहे यही मेरी नए साल की सभी महात्माओं को सभी साइंटिस्ट को मेरी शुभकामना है।
भारतवर्ष के इतिहास के अंदर लोगों की जो सोच है परिस्थिति के अधीन, वो सोच कलयुग के अंदर दिन ब दिन छोटी होती जा रही है और ये छोटी सोच ही बहुत सारे पार्टीशन हमारी दृष्टि में बना देती है। और इतने सारे पार्टीशन होने के बाद हम अगर वास्तविकता ढूंढने चाहे, सनातन सत्य ढूंढने चाहिए जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ ढूंढने चाहे, तो मिलना हमारे लिए असंभव है। मगर आप सब पुण्यशाली हैं, सद्भागी हैं कि ये बिना पार्टीशन वाली बात आपको सुनने को समझने को मिलती है और ये बात धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलेगी। और यही हमारी भावना है और हमको तो मालूम है कि एक दिन ये कामयाबी जरूर होगी। आप सबने भी अपने जीवन में बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़े होंगे, धार्मिक व्यक्तियों को सुना होगा, धार्मिक व्यक्तियों को मिले होंगे, ये कोई नई बात नहीं है। मगर आज तक आपने कोई ऐसी बात सुनी थी किसी के मुंह से या कोई किताब में से कि जो फॉर्मेट से भी ऊपर होती है? नहीं सुनी थी आपने। हर जगह पे गए तो एक या दूसरा फॉर्मेट को ही आपने सुना, समझा और फॉलो करने का प्रयास किया। और यही फॉर्मेट से जब मैं ऊपर ले जाने की बात कर रहा हूं तो कहीं लोग फॉर्मेट की बातें निकाल के हमारे साथ बात करना चाहते हैं, तब मैं उसको कहता हूं किताबों की बात छोड़ो, अगर ये वास्तविकता में आपने जो विज्ञान समझा है वो विज्ञान के अंदर आपको और कोई ज्यादा जानकारी है तो आप हम सबके सामने पेश कर सकते हैं। किताबों के माध्यम की बात पेश करना वो अच्छी बात नहीं है। एज अ साइंटिस्ट रेफरेंस तो इतना देना चाहिए किसी को समझाने के लिए। हम किसी को प्रेजेंट करते हैं इस टोन के अंदर शास्त्रों की बात करना वो ठीक नहीं है। एक साइंटिस्ट के हिसाब से हमको पुस्तक से ऊपर उठना है, वो मैंने सत्संग में बार बार कहा है, हमको फॉर्मेट से ऊपर उठना है। और इसीलिए कोई शास्त्र में क्या लिखा है, कोई व्यक्ति ने क्या कहा है, कोई धर्मगुरु ने क्या कहा है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। और पहले मैंने बोल दिया कि आज तक आपने न पढ़ा है न सुना है, यानी वो सब्जेक्ट खत्म हो गया आपके लिए। अगर आपको विज्ञान समझना है तो ये सब्जेक्ट आपको जो मैंने पढ़ा है जो मैंने सुना है ये सब्जेक्ट आपके लिए यू आर गोइंग बियॉन्ड द फॉर्मेट। तो आप खुद को ही कंफ्यूज कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने कई बार कहीं जगह पे देखा, तब धीरे धीरे लोग अभी समझने लगे हैं कि जब आप फॉर्मेट की बात ही नहीं करते हैं और फॉर्मेट के अंदर व्यक्ति और किताब आ जाती है तो भाई व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्चर। अगर आपको साइंस में कुदरती कानून में कोई नया एंगल खुला है तो यू कैन एक्सप्लेन, यू हैव अ राइट एज अ साइंटिस्ट। किताबों की बात करते रहोगे और किताबों की बातों का एंगल बताते रहोगे, दैट इज नॉट योर प्रोग्रेस। यू ट्रांसफर द नॉलेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो मैंने पहले भी कहा। तो ये ट्रांसफर करना वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। प्रिंसिपल को बताओ कि आपने कोई सिद्धांत को समझा है, अनुभव किया है, कोई नया एंगल खुला है आपके एक्सपीरियंस में, वो बताइए कि मेरे को ये साइंटिफिकल एंगल जो है इसमें मेरे को ये सोच मेरी खुली हुई है, देन इट इज गुड बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस, नॉट बिकॉज ऑफ स्क्रिप्चर, नॉट बिकॉज ऑफ किसी ने कहा है। तो साइंटिस्ट बनाने के लिए क्या बेस चाहिए वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इसीलिए
आज नए साल का पहला दिन है, 2020 से 2021 हो गया और हम समझते हैं हम अपने जीवन में हर रोज आगे बढ़ते हैं, तो हम भी यही चाहते हैं आप आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देखो। मैं सत्संग में भी बार बार कहता हूँ, आपकी प्रकृति को भी देखने की जरूरत नहीं है कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, चार दिन पहले क्या हुआ था, छह साल छह महीना पहले क्या हुआ था, वो देखने की जरूरत नहीं है। मतलब सब्जेक्ट टू प्रकृति, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और हम इस दुनिया के अंदर नए विश्व को बनाने के लिए, नए सोच को जगाने के लिए और पूरे विश्व के अंदर एक नया उत्साह, नया उमंग, नया सवेरा करना चाहते हैं। आध्यात्मिक फील्ड में कहो, लोगों के अंदर एक नई रोशनी देना चाहते हैं और ये नई रोशनी वो दीपक की तरह प्रकाशित करेगी लोगों को, और लोग धर्म, संप्रदाय, किताब, रिचुअल्स, संस्था, वो पार्टीशन से ऊपर चले जाए, यही हमारी सोच है। और हर व्यक्ति अपने जीवन में ये विज्ञान जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, वो विज्ञान समझ के, अनुभव प्राप्त करके अपना अनुभव दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करें विद कॉन्फिडेंस। ये इतनी आपको ताकत मिले, शक्ति मिले, ये हमारी सोच है। और मैं समझता हूं हमारे सबके पास बहुत सारी शक्तियां, ज्ञान के रूप में, दर्शन के रूप में, सुख के रूप में, शक्ति के रूप में, बहुत सारी शक्तियां हमारे सब में भरी पड़ी हुई है। इनफाइनाइट पावर वी ऑल हैव, बट इसको जगाना है, इसको ओपन करना है। और वो ओपन जो शक्ति खुली हुई है, अनकवर हुई है, वो ही दुनिया के सामने हमको पेश करना है। क्योंकि आज तक हमने जो परंपरा में जो कुछ जाना था, सीखा था, पढ़ा था, सुना था, उस परंपरा को हमको आगे ले जाना नहीं है। हम दुनिया की कोई भी व्यक्ति के साथ बात करेंगे तो ये कहेंगे कि आखिर हमने इस दुनिया के अंदर जो सनातन सत्य का विज्ञान प्राप्त किया है और ये विज्ञान का उपयोग करके हमको जो अनुभव हुआ है, एक ज्ञान दर्शन खुला हुआ है जो अनुभव के रूप में है, वो हम सबको, आप सबको बताना चाहते हैं। तो इसीलिए एक क्रांतिकारी विचारधारा हमारे सबके दिमाग में होनी चाहिए ताकि हम अपनी समय शक्ति को गवा ना सके। कई लोग मेरे को कहते थे शुरुआत में, आज से कम 4-5-6 साल पहले की बात है, तब लोग कहते थे जो पुराने हमारे महात्मा हैं कि आप तवाणी की जो बात है वो करो, हमको जो दादा भगवान ने कही है। जैन समाज में जाएंगे तो बोला आगम की बात करो, वैष्णव समाज में जाएगा तो बोला वेदांत की बात करो, यानी हर धर्म वाले अपनी ही बात करना चाहेंगे और उनको अच्छी भी लगेगी। हम ये कहते हैं हम इससे ऊपर उठ के विज्ञान की बात करें जिसमें कोई पार्टीशन नहीं है, जिसमें कोई व्यू पॉइंट नहीं है, जिसमें कोई व्यक्ति की बात नहीं है, तभी तो दुनिया के लोग सुनेंगे आपकी बात। नहीं तो जैसे कहेंगे ये तो राम वाले आ गए, कृष्ण वाले आ गए, महावीर वाले आ गए, ये तो शिव वाले, स्वामीनारायण वाले आ गए, ऐसे दादा वाले आ गए, तो ये सुनना नहीं है हमको। हम साइंटिस्ट है, वी नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स ऑन अ बेस ऑफ लॉ ऑफ नेचर। हम कोई ऐसा कहे कि तुम वाले है वो हमको पसंद नहीं है, क्योंकि हम सनातन सत्य की बात करते हैं, क्योंकि हमारा बेस कुदरती कानून है, क्योंकि हमारा बेस छह तत्व है, क्योंकि हमारा बेस कुदरती रचना है, और मैं चेतन अविनाशी ऐसा शुद्धात्मा हूं, ये मेरा बेस है। तो बेस के अंदर कोई फॉर्मेट तो आता ही नहीं है, और वही बेस को मैं अनुभव करके दुनिया के सामने पेश करना चाहता हूं और आप सबको यही करना है। और इसीलिए अपने विजन को छोटा मत बनाओ, कॉर्नर मत बनाओ, ताकि आपके विचारों में उलझ जाए। बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे, मैंने कहा तुम कहोगे कि आप तवाणी की बात करोगे, जैन कहेगा वेदांत की बात करो,
वो भी तीर्थंकर की बात है। वैष्णव कहेगा कि किताब की बात करो, कृष्ण भगवान की बात है। तो ब्राह्मण कहेंगे कि आप वेदांत की बात करो, वो भी ज्ञानी थे। तो ऐसी बात करेंगे फिर हम किसमें जुड़ जाएंगे, रिलेटिव सत्य में। अगर आज तक इसमें से अगर ज्ञान विज्ञान के रूप में ट्रांसफर हुआ होता तो आज हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं होती। अगर ज्ञान विज्ञान में ट्रांसफर हो गया होता तो आज ऐसी परिस्थिति हर धर्मों की नहीं होती जो हमारे सामने है। और इसीलिए मैं आप सबको ये आध्यात्म के विज्ञान की जो बात कर रहा हूं बहुत ऊंचाई वाली बात है और बहुत ब्रॉड विजन की बात है, यूज बात है। मगर हमारे पास भी इतनी अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है। हम सब कुछ दुनिया का जो फैक्ट है वो अनकवर करके अनुभव करके दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। ये हमारी क्षमता है, हमारा निश्चय है, हमारा वादा है। और एक दिन जरूर हमारी जो नियत और नीति है जरूर कुदरत हमको साथ देगी और हम एक दिन कामयाब होंगे। दूसरी बात, हमारी जो बात है आध्यात्म विज्ञान की वो पूरे मानव समाज के लिए है, कोई धर्म संप्रदाय कल्ट के लिए नहीं है। और मैं समझता हूं कि अभी 2020 खत्म हो गई और 2021 स्टार्ट हुई है, हमारे सामने ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी चैलेंज है कि हमने 2020 ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। घर में रहना सिखाया है, सिंप्लिसिटी सिखाया है, परिवार के साथ रहना सिखाया है। कई लोगों को खाना पीना सफाई करना नहीं आता था, वो भी सीख गए। इकोनॉमिक लाइफ कैसे जी सकती है, कैसे कम साधनों में भी जी सकते हैं, ये सब कुछ उन्होंने सिखाया है। और संघर्ष के सामने जीवन जीना सिखाया हमने। बहुत सारे लोगों के अंदर अपने पैसे का, संपत्ति का, सत्ता का जो उनके पास थी, आम लोगों के लिए उन्होंने खर्च किया है। खाना पीना कपड़ा लत्ता जो भी कहे, सब लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारा योगदान और बलिदान दिया है। डॉक्टर कहो, नर्स कहो, पैरामेडिकल फोर्स कहो, पुलिस वाले कहो, सामाजिक संस्था वाले कहो, बहुत सारे नेता अभिनेता जो लोगों को अवेयर कर रहे थे, गाइड कर रहे थे, ऐसे बहुत सारा जो फील्ड है हमारा। यानी 2020 ने बहुत कुछ सिखाया है हमने। ये मत कहो कि हमने 2020 गवा दिया है तो हमने कुछ पाया नहीं है, ये रोने की बात नहीं थी। कुछ समझने की बात थी, कुछ जानने की बात थी। हमको इतना सारा सिखाया कि हम आगे जाके अपने जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हम इसको कैसे फेस कर सके, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है अभी जो पहले नहीं था कई सालों से। तो इसीलिए हर अवस्था को पॉजिटिव देख के उसमें से ज्ञान तत्व क्या है, हमने क्या पाया, वही देखो। और 21वीं सदी हमारे सबके लिए, पूरी मानव जात के लिए, पूरे भारत और विश्व, पूरे विश्व के लिए एक शुभ संदेश लेकर आए, हमारे लिए एक नई रोशनी, नया प्रकाश लेकर आए, नई मंजिल लेकर आए। और हम इसी बात पे बहुत आगे चले और हम सब एक मानवता के तौर पर मिलजुल के रहे। हमारे जीवन में जो कुछ भी पार्टीशन है विचारधारा की, धर्म संप्रदाय समाज राष्ट्र, ये सब हमारी दृष्टि से धीरे धीरे निकल जाए और हम हमारी दृष्टि इतनी विशाल बन जाए ताकि हम वास्तव में प्रेम स्वरूप बन जाए। प्रेम स्वरूप का मतलब होता है बिना भेदभाव वाली दृष्टि, वो प्रेम स्वरूप है। बिना मालिकी वाली दृष्टि, वही प्रेम स्वरूप है। प्रेम स्वरूप कोई एक्शन नहीं है, प्रेम स्वरूप कोई भाषा नहीं है, प्रेम स्वरूप वो तो दृष्टि की बात है। और जो व्यक्ति की दृष्टि में मालिकी भाव कर्ता भाव खत्म हो गया है वही तो प्रेम स्वरूप है। और प्रेम स्वरूप में कभी न कम होता है न कभी ज्यादा होता है, न प्राप्ति होती है न नुकसान होता है, न कुछ लेना होता है न कुछ देना होता है। तो ये प्रेम स्वरूप का मतलब होता है कि जहां कोई डिफरेंसेस नहीं है, जहां कोई भेद नहीं है, जहां कोई दीवार नहीं है, जहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये हमारी दृष्टि जो है, ये दृष्टि नए साल में हम अपने आप को और भी परिपक्व करें और विश्व के अंदर जो हमारा
जन्म हुआ है, हम दुनिया को कुछ देकर जाए, ऐसा देकर जाए ताकि वो हजारों लाखों लोग इसी बात को फॉलो करके अपना खुद का ही जीवन धन्य बनाए और वो भी हमारी तरह ऐसी ही दृष्टि को और लोगों को बांटते रहे और ऐसे करके पूरे विश्व में ये विज्ञान जो सनातन सत्य है, जो फॉर्मेट से ऊपर है, वो लोग समझे, अनुभव करें, आगे बढ़े। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। आइए हम अपने जीवन को नए साल की तरह, हमारा नया जीवन ही शुरू हुआ है, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम नई कहानी। तो हम ऐसे अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, आइए हम आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें और अपना जीवन उज्जवल बनाए, अपना भविष्य उज्जवल बनाए, अपनी दृष्टि को परिपक्व करें। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रमेश भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, दंडवत प्रणाम आपने। जय सच्चिदानंद। आपने अनुभव दशाए हमें पहुंची है, आशीर्वाद आप जो मारा खूब खूब आशीर्वाद से प्रभु। हवे मारो प्रश्न छे प्रमाद संबंधी, चार चार थी सात गुठाणा सुधी नो प्रमाद अने सात थी अग्यार सुधी नो प्रमाद, आमा फेर शू छे? पहली बात, जो चार से सात का जो प्रमाद है वो अभी पूरा विज्ञान समझना बाकी है, वो है बराबर। और सात से ग्यारह जो पूरा विज्ञान जाना है उसका पूरा उपयोग नहीं किया है वो प्रमाद है बराबर। एक अल्ले एक आ चार थी आठ में तो डेवलपमेंट सुधी नो जो आवे ने, डेवलपमेंट में जावे ने। हाँ, मगर वो डेवलपमेंट भी पुरुषार्थ से ही आप आगे बढ़ सकते हैं ना। बराबर। वहां भी पुरुषार्थ है, यहाँ पूरे विज्ञान को समझने का पुरुषार्थ है, वहां प्रमाद नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैंने जो भी शुरू में कहा, हम अपनी दृष्टि को बार बार फॉर्मेट की और मत ले जाओ, विज्ञान की ओर ले जाओ। और विज्ञान सनातन सत्य है, विज्ञान कुदरत का है, उसी को हम अनुभव करना चाहते हैं और अपनी दृष्टि को छोटी नहीं, विशाल, निष्पक्षपाती और परंपराओं से ऊपर ले जाना चाहते हैं। बराबर। तो उससे पहले ऊपर उठो और बाद में जो कुछ समझ में आ गया विज्ञान पूरा सिद्धांत के रूप में, उसका फिर सात के बाद 100% उपयोग करो। बराबर। भारे में तो भारे में भारे तो भारे तो क्यों वधारे नुकसानकारक प्रमाद क्यों गणाय, सात पच्ची नो के सात पहला नो? दोनों की वैल्यू अपनी जगह पे है। बराबर। हाँ बराबर। जय 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 सच्चिदानंद। नैना बेन। जय श्रीराम स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा जानना था, पहले तो बात निकली है मगर फिर भी जानना है कि ब्रह्मांड में ही सारे के सारे लोग उसी में ही आते हैं। जैसे कि मध्य लोक है, मध्य में जो 14 लोक का विभाजन किया है वो, और फिर जो ऊपर है वो देवगति है और नीचे मध्य लोक के नीचे। नहीं नहीं, मध्य में 14 लोक नहीं है। मध्य में 14 लोक का मतलब समझानी है। मध्य में 14 लोक नहीं है स्वामी जी, पूरे लोक के अंदर 14 लोक है, जिसमें 6 देव लोक है, 7 नरक लोक और मध्य लोक, ऐसे करके टोटल 14 लोक हुए। अच्छा, यानी वो देव गति और ये भी आ गया उसमें, जो नरक गति 7 लोक है, देव लोक 6 है और मध्य, ऐसे करके टोटल लोक जिसको कहते हैं वो लोक के अंदर 14 लोक है। और उसका दूसरा नाम है हिंदू फिलोसॉफी में, इसको 3 लोक कहते हैं, मध्य लोक, उज्ज्वलोक और अधोलोक। अच्छा अच्छा, हाँ ओके। पूरे ब्रह्मांड में हम कह सकते हैं कि 14 लोक होते हैं। और स्वामी जी ये, हाँ, और दूसरा ये जानना था कि जैसे कि हम यहाँ पर है तो ये मध्य लोक में
मध्य लोक जो होता है उसमें ये सारे जो इंसान वगैरह रहते हैं और ये तिर्यंज गति ये सब होता है ना स्वामी जी मध्य लोक में। हाँ तो वैसे मध्य लोक, हाँ सॉरी स्वामी जी, यस यस बोलो बोलिए। हाँ तो मध्य जो लोक होता है तो ये हम तो हमारे तो ये भरत क्षेत्र वाली पृथ्वी है तो वैसे बहुत सारे लोक भी है ना तो वो सारे के सारे मध्य लोक में ही आ जाते हैं ऐसे कहेंगे ना, जैसे पांच महाविधिक क्षेत्र, पांच ऐरावत क्षेत्र और महाविधिक क्षेत्र जो है वो पंद्रह जो क्षेत्र है वो पूरे मध्य लोक में ही आएंगे जिसको हम मनुष्य लोक कहेंगे। पंद्रह है मगर वो पंद्रह मनुष्य लोक है और मनुष्य लोक मध्य लोक में ही आता है, न देव लोक में आता है न नरक लोक में आता है। हाँ यानी मध्य जो लोक है उसमें ये सारे की कोई कौन सी भी पृथ्वी हो यानी बहुत सारे है उसमें तो सभी आ जाते हैं उसमें, बराबर। और हाँ और ये जो होते हैं ऊपर जो देव लोक कहलाते हैं स्वामी जी मध्य क्षेत्र के मध्य लोक के ऊपर होता है तो ये देव लोक है वो सभी के लिए कॉमन है, सभी सभी जो भी लोक है जितने भी पृथ्वियां है सबके लिए वो देव लोक एक ही होता है कि अलग अलग होते हैं यानी उसके जो सात है एक ही होते हैं? छह देवलोक के छह नहीं वो छह देवलोक तो पता है देवलोक में छह है उसके जो है सेक्शंस वो छह है मगर जैसे कि यहाँ महावेदिक क्षेत्र है ये भरत क्षेत्र है वैसे ऐरावत क्षेत्र है तो वो सब उसमें जो जीव है वो अगर उसमें से कोई देवलोक में गया तो वो एक ही देवलोक है ना, उसमें सात अलग अलग है अकॉर्डिंग टू इसके कर्मा जो भी मैरिज कर्मा है उसके हिसाब से ऊपर जाते हैं तो जो है वो देवलोक तो एक ही है ना स्वामी जी, ऐसा मेरा कहना है यानी कहीं से भी जीव वो एक ही है। हाँ एक में सात अलग अलग ये है, हाँ सात में छह, हाँ छह है, हाँ छह है सॉरी, हाँ देवलोक छह है, हाँ बराबर। नरक लोक सात है हाँ तो वैसे ही नरक लोक का भी वैसे ही है ना, जैसे एक ही देवलोक है वैसे नरक लोक के भी एक ही है उसमें सात पार्ट है ऐसे ही है ना स्वामी जी? करेक्ट। हाँ हाँ और अभी मुझे पूछना है स्वामी जी की जैसे कि सिद्ध क्षेत्र जो है सिद्ध क्षेत्र है वो यानी ये लोक पूरा हम बोलते हैं उसके ऊपर जो है उसको सिद्ध क्षेत्र बोलते हैं ना एग्जैक्टली कैसे बोलेंगे उसका स्वामी जी? उससे ऊपर कहो आउट ऑफ, हाँ अच्छा जो लोक खत्म हो जाता है उसके ऊपर सिद्ध क्षेत्र है। हाँ बराबर है। और ये जो हाँ और ये निगोद है स्वामी जी, निगोद वो ना तो इसमें है मध्य लोक में भी नहीं है वो तो या तो लोक में भी नहीं है ऐसा है निगोद? निगोद लोक से बाहर है जैसे सिद्ध क्षेत्र लोक से बाहर है ऐसे अच्छा। निगोद भी लोक से बाहर, लोक का लोक इज इक्वल टू चौदह राज लोक जो मैंने बताया सात नरक लोक छह देव लोक एक मध्य लोक हाँ। इसका एक नाम है लोक, लोक के बाहर अलोक, अलोक के अंदर हाँ। निगोद है और लोका लोक से पर है वो सिद्ध क्षेत्र है। अच्छा अच्छा हाँ समझ में आ गया स्वामी जी, तो ये लोक के बाहर है जो निगोद है वो या और लोका लोक से पर है वो सिद्ध क्षेत्र है, वो सिद्ध क्षेत्र है वो क्यों हाँ। इतना हर धर्म के आप जैन के आगम पढ़ोगे तो यू क्रिएट द कंफ्यूजन इन योर माइंड, क्योंकि ये सब मैंने पढ़ा है, मैं आप सबको इसीलिए उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, मैंने सब क्यों ये सब जान के फिर ऊपर जाके मैंने आपको बात किया है, फिर आप उसमें जाएंगे तो दे क्रिएट द पजल इन योर लाइफ। ओके 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 स्वामी जी ठीक है ठीक, इसीलिए मैंने कहा कि भाई अगर आप व्हेन यू फॉलो द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मींस लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का कानून ये है कि एक लोक के अंदर ये रोग के अंदर कभी जीवों की संख्या प्लस माइनस नहीं होती है। नहीं होती है बराबर, अगर ये लोग के अंदर निगोद ला दिया तो फिर तो प्लस माइनस होगी। हाँ हाँ सही बात है, तो ये प्रिंसिपल की बात है, फिर प्रिंसिपल की बात है। क्या लिखा है शास्त्रों में, क्या लिखा है जैनिज्म में, क्या लिखा है वो छोड़ दो, अदरवाइज यू क्रिएट द कंफ्यूजन इन योर माइंड। ये सब कुछ बातें पढ़ के मैं बता रहा हूँ, तो मैं हाँ। मेरे पास ये ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है, नहीं आपके पास है मगर वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है बराबर है स्वामी, क्योंकि मैं उनको पास करके आपको बता रहा हूँ कि हाँ। ये बात आपको जाननी जरूरी, ये जरूरी नहीं है, नहीं है नहीं है हाँ, क्योंकि ये शास्त्र का उसमें आ गया अभी आप समझे, तो उसमें लिखा हाँ। है कि सब
सब लोग के अंदर ही है ऐसा बताया गया है, और कई लोगों में निगोद के जीव होते, वो छीक आती है, वो है एक इंद्रिय के जीव बताते हैं, ऐसा ऐसा कुछ बताते हैं लोग, पर इट्स ओके एज पर व्यू पॉइंट इट इज ओके। हमको प्रिंसिपल से सेट नहीं होता है, और हमको एज अ साइंटिस्ट हर बात को प्रिंसिपल के फॉर्म में ही एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ बराबर है स्वामी जी। और दूसरा ये तत्वों की बात है, किसी को गलत कहने की जरूरत नहीं है, आपको यही कहना चाहिए बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट यू आर राइट, बट एज पर द लॉ ऑफ नेचर ये हमको सेट नहीं होता है, सो यू आर रॉन्ग दैट इज नॉट अवर सब्जेक्ट। हाँ हाँ बराबर है स्वामी जी। और जैसे छह तत्वों की बात आती है, आप कहोगे कि भी दादा भगवान ने तो कहा है हजारों लाखों बार कि भी मेरे को केवल ज्ञान था, उसमें 4% में फेल हुआ, तो आप क्यों केवल दर्शन कहते हैं? तो मैं सिद्धांत से बोलता हूँ, ये बात मेरे को नहीं ऐसा थोड़ी है। हाँ नहीं नहीं सही बात है, सही अभी आप कंपेयर करोगे नहीं, किताब में तो ऐसा लिखा है, तो क्या करोगे? सही बात आपको बता रहे हैं, हम पास होके बता रहे हैं, फिर आपको वहां जाना है, तो फिर मैं क्या करूंगा? हाँ नहीं नहीं जाना तो नहीं है स्वामी जी, मगर ये ब्रह्मांड के बारे में मुझे वो कंफ्यूजन था। मैं आपकी अकेली बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सबको सब सुने इसीलिए बात करता हूँ। हाँ नहीं नहीं सही बात है, सबको ये बात समझना है, हम किताबों की बात करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं। अगर आपको रेफरेंस देना है तो रेफरेंस दो, मगर पहले प्रिंसिपल बताओ, बाद में रेफरेंस दो, डोंट स्पीक डायरेक्टली रेफरेंस। हाँ नहीं नहीं सही बात है, तो रेफरेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है, प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है, सही बात है स्वामी। बिना प्रिंसिपल आप रेफरेंस बताओगे, दे क्रिएट द पजल इन योर माइंड, पजल हो जाएगा, एंड सो मेनी पीपल आल्सो दे आर मिसगाइडेड। हाँ हाँ उनको भी पजल हो जाएगा, सही बात है स्वामी जी, प्रिंसिपल की बात तो पजल नहीं होता। हर बात को कैसे उतर जाऊ, ये सिद्धांत है और ये एग्जाम्पल है, तो पहले सिद्धांत बताता हूँ, एग्जाम्पल लेकर आते हो। हाँ हाँ सही बात है स्वामी जी, अभी एग्जाम्पल लेके आते हैं ना, फिर प्रिंसिपल से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, तो आपको पहले प्रिंसिपल समझ, यू आर साइंटिस्ट। प्रिंसिपल हाँ हाँ, यानी वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए, पजल दूर करने के लिए प्रिंसिपल से ज्यादा बेहतर कोई चीज नहीं है, वही है। हाँ, सही बात है, दुनिया के प्रिंसिपल है तो फिर कंफ्यूजन नहीं है, प्रिंसिपल से मिलेगा, प्रिंसिपल से होता है। हाँ ये तो सही बात है, अनुभव में भी आता है स्वामी जी। और दूसरा ये कहना है स्वामी जी कि जैसे कि छह तत्व है यहाँ पर पूरे उसमें हम देखते हैं कि है यूनिवर्स में छह तत्व है, तो छह तत्व जो है वो इसमें ही है, मध्य में ही है, नहीं मध्य में जो लोक है उसमें है, हम कहेंगे मध्य में नहीं, जो लोक है उसमें है छह तत्व, पूरे लोक में है, पूरे लोक में, पूरे लोक में है। बराबर है। और ये जो ये निगोद में जैसे कि जड़ भी है, और निगोद में बाकी के नहीं है, सिर्फ जड़ है और ये है अपना चेतन है, जड़ है वहाँ, चेतन भी है और वहाँ हाँ, स्पेस भी है, स्पेस भी है, जड़ चेतन और स्पेस भी है निगोद में, बिना स्पेस तो हम प्लेस कैसे कहेंगे? हाँ बिल्कुल नहीं कहेंगे, सही बात है स्वामी जी, सही आत्मा भी चाहिए तभी तो जीव है। हाँ हाँ नहीं तो निगोद क्या जीव कैसे बोलेंगे, आत्मा नहीं है तो। हाँ हाँ तो स्पेस तो चाहिए उसके लिए, और जीव अगर... कहा तो फिर जड़ तत्व भी चाहिए, क्योंकि बॉडी तो जड़ तत्व का होता है, जड़ का होता है, सही बात है। एज अ साइंटिस्ट आपकी सोच होनी चाहिए कि मैं कुछ बोलता हूँ तो प्रिंसिपल कुछ गलत होता है ना। हाँ हाँ सही बात है, सही बात है, आपको देखने की जरूरत नहीं है कि भी आपको निगोद दिखता है कि नहीं दिखता है, मगर आपके पास नहीं, मगर प्रिंसिपल के बेसिस पे हम ये कर सकते हैं, सही बात है। तो हमको ये फिर आप कहोगे हाँ, किताबों में तो ये लिखा है इतना इतना है, छोड़ दो ले, लिखा है इट इज ओके, मगर आपको क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास आंसर नहीं होगा, नहीं होगा, तो सही वो बात तो समझने से क्या फायदा? नहीं नहीं बिल्कुल भी फायदा नहीं स्वामी जी। और वैसे ही जैसे सिद्ध क्षेत्र में तो सिर्फ आत्मा ही होता है स्वामी जी, आत्मा और स्पेस, स्पेस भी होता है क्योंकि उसको भी हाँ क्योंकि आत्मा जिसको उसको भी स्पेस की तो जरूरत पड़ती है, चाहे वो सूक्ष्मतम है फिर भी उसको स्पेस की जरूरत पड़ती है वहां पर, तो वो तो स्पेस तो है तभी तो कहेंगे कि तभी तो हाँ, स्पेस तो पूरा है यानी स्पेस पूरे ब्रह्मांड में है। हाँ स्पेस पूरे ब्रह्मांड में ही है, स्पेस वाला जो है बात वो पूरे ब्रह्मांड में स्पेस, क्या हाँ जय सचिद, तो इसीलिए ये सब कोई भी बात हम एक्सप्लेन करेंगे या तो हम सोचेंगे तो ये सिद्धांत से सोचो,
तभी आप साइंटिस्ट बन पाओगे। सीधा रेडीमेड आंसर सोचोगे तो आप कभी भी साइंटिस्ट नहीं बन पाओगे। नहीं, फिर क्या होंगे, फिर आप कोई प्रश्न करेंगे, आप उत्तर दोगे तो फिर कुत्ता, नहीं नहीं स्वामी जी ने तो ऐसा कहा है, दादाजी ने तो ऐसा कहा, तो ये उत्तर क्यों दे रहे हैं? यू फॉलो, नहीं नहीं समझना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं भी कहा है, अगर आपको अनुभव में आया तो आप सिद्धांत बता सकते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, इट इज नॉट मैटर ऑफ पर्सन। हाँ हाँ सही बात है, प्रिंसिपल वाइज ही बात करेंगे हम तो वो सही रहेगा। हाँ, वो भी सुनेंगे, वो भी सुनेंगे। हाँ, तो क्योंकि बात को, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो यू फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। हाँ, लॉ ऑफ नेचर, वो लॉ ऑफ नेचर फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि दुनिया कैसे चलती है। और कोई प्रश्न करेंगे तो सिद्धांत से सोचो, श्रद्धा से नहीं, नॉलेज से नहीं, जो पढ़ा हुआ है सिद्धांत से सोचो, सिद्धांत से जाए मैं उत्तर दूंगा तो कोई भी सिद्धांत क्रॉस तो नहीं होता है, नहीं क्रॉस होता है मतलब हमारा विजन करेक्ट नहीं है। नहीं है, हाँ सही बात है समझे, तो वो बात नहीं करनी चाहिए हमको। बराबर, या तो ऐसा कहूंगे कि भी मैंने स्वामी जी के पास से यह बात सुनी है मगर अभी मेरे विजन में परफेक्टली नहीं है, तो आई जस्ट ट्रांसफर यू But I'm not sure कि मेरे विजन में करेक्ट है। हाँ, क्योंकि खुला बोल देना चाहिए जो भी है। हाँ, ताकि फिर आपको काउंटर क्वेश्चन करेंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। सही बात। तो this is not correct। बराबर। मेरे को कोई व्यक्ति कहेंगे कि स्वामी जी मैंने कौन सा कर्म किया है इसका मैं फल भुगतान कर रहा हूँ, तो मैंने कहा देखो सिद्धांत के रूप से अगर सुख दुख का जो आपका भुगतान है उसके मुताबिक आपका कर्म होगा, चाहे राग का चाहे द्वेष का कर्म होगा उसका यह फल है, मगर एग्जैक्टली कौन सा कर्म किया है वो तो केवल ज्ञानी का। हाँ, सही बात। तो सिंपल बता देता हूँ, जब मेरे पास विजन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे बताऊंगा। जैसे जय सच्चिदानंद। हेलो कमलेश भाई, आवाज आवाज नहीं आवतो, कोनो आवाज नहीं आवतो, हमारो आवाज नहीं आवतो, मारो नहीं आवतो, मारो स्वामी आवाज आवे, स्वामी समारो आवे छे, हां आवे, तमारो आवे छे, आवे छे, બધાને સંભળાય છે, નામ ને પ્રતિભા બેન નો અવાજ નતો સંભળાતો એટલા માટે। આહા હા સ્વામી જી, એક બે પ્રશ્ન છે। ઓકે સ્વામી, આપણે ધીસ અગાઉ આપણે કીધું કે જ્યારે જીવ મનુષ્ય ભાવમાં આવે છે એક વખતે લગભગ એનું 150% જેટલું ડેવલપમેન્ટ હોય છે, એ આપણે એક વખત વાત થઈ હતી સ્વામીજી, તે એનો મતલબ થયો સ્વામીજી કે એટલું અજ્ઞાન ટુ ડેટ એક્સટેન્ટ એનું ઓછું થયેલું છે જીવનું, અજ્ઞાન અજ્ઞાન ઓછું થયેલું છે એ સમજવાનું આપણે સ્વામીજી। અજ્ઞાન નહીં નહીં, અજ્ઞાન અજ્ઞાન કમ હુઆ હૈ વો પ્રશ્ન નહીં હૈ સ્વામીજી, ગુજરાતી હા હા, उनकी फाइव सेंसेस खुली हो गई तो इतना तो उसको प्यार हुआ जो पहले नहीं था, वो भी नहीं था उनके पास। ओके, पहले रिलेटिव सुख का डेवलपमेंट हुआ। ओके, फिर बुद्धि से भौतिक डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक डेवलपमेंट। ओके, फिर आध्यात्मिक आता है। ओके, तभी तो वो समझ पाता है कि ये ज्ञान ही अज्ञान है। ओके, मगर पहले तो उसको डेवलपमेंट कहेंगे ना। हाँ, तो अपने को समझ ये डेवलपमेंट अपने को अज्ञान कम हुआ वो सेंस में नहीं लेना है। नहीं 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 नहीं, ओके ओके, हाँ बस नहीं नहीं, जैसे जैसे दुनिया में अलग अलग फील्ड के अंदर लोग अपनी बातें करते तो हम उसको डेवलपमेंट तो कहेंगे ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है स्वामी जी, अभी मुझे ज्यादा आगे प्रश्न नहीं, मैं अपना ये सेंस में ले रहा था इसलिए अपना। ओके ओके, तो उसमें बाबू मुझे आगे प्रश्न नहीं पूछना है स्वामी जी, मैं अपना ये अज्ञान के 150% डेवलपमेंट जो पूछ रहा था मैं, वो अपना अज्ञान का उसका कम हो गया वो सेंस में मैं पूछ रहा था। नहीं 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 नहीं, ठीक है स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, अभी स्वामी जी आपने दिस ये आप बोल रहे कि भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म, मेरा और मेरे नाम की सब माया, आप बोलते कुदरत
के चरणों में समर्पण करते हैं अपना जो शरण विधि में उसके आप बोलते हैं अपने कुदरत के चरणों में समर्पित करना है, ऐसा हमको बोलना चाहिए। तो स्वामी जी समझ रहे हैं, समझना चाहिए, बोलो क्या ना बोलो। हाँ नहीं समझना चाहिए। तो स्वामी जी अपना वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में आपने बताया है, कौन सा एंगल से आपने बताया, वो जरा आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे स्वामी जी। नहीं इसमें तो वेरी सिंपल है ना, आपका मन वचन काया सब कुदरत का ही तो है। नहीं बरोबर है, कुदरत का है, बरोबर कुदरत ने दिया। नहीं कुदरत का है, कुदरत का है, वो नहीं मानते वो ही तो बड़ी अज्ञानता है। नहीं वो बरोबर है स्वामी जी, लेकिन खाली अपना जो कुदरत ने दिया है वही सेंस में अपने को लेना है स्वामी जी, कुदरत ने दे दिया और क्या। नहीं नहीं दिया भी कुदरत ने और ले भी कुदरत ही लेंगे ना, तो नई बात थोड़ी है। नहीं नहीं स्वामी जी मैं यही सोच रहा था कि देखो अपना जो भी मन वचन काया भी जो देते हैं अपना कर्मों के फल के हिसाब से देते हैं, यू कैन से इट इज कर्म के फल स्वरूप कर्म की भुगतान के लिए दिया है, आप समझो पहले। हाँ वी आर नॉट ओनर ऑफ द बॉडी, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट टू सफरिंग योर प्रीवियस बर्थ डेट। हाँ हाँ तो कुदरत ऑनर तो नहीं है ना स्वामी जी, अपना जो है बाकी के इसमें जो है क्योंकि हाँ बोलिए सर, कुदरत मालिक नहीं है तो कौन मालिक है बताइए। नहीं अपना कर्मों के हिसाब से स्वामी जी मिलता है ना, क्योंकि ये कर्मों के हिसाब से हमको बॉडी मिला, मगर मालिक कौन है, किसी किसके पास रहेगा, चलो आफ्टर डेथ ये पंच महाभूत किसके पास रहेगा। नहीं वो हिसाब से स्वामी जी उसके पास वो रहेगा क्योंकि वो मैनेजमेंट कर रहा है। कोई भी हिसाब से देखो पंच महाभूत कुदरत का है, था और रहेगा, ठीक है। हाँ, वो है स्वामी जी राइट। तो फिर कुदरत का है तो कुदरत को भाव से समर्पित करने में क्या तकलीफ है। नहीं स्वामी जी मेरा ये वहां पे पजल यहाँ पे है क्योंकि देखो अपना जो भी अपना मन वचन काय जो देते अपना कर्म के हिसाब से अपना दृष्ट देता ही कुदरत, खाली वो मैनेजमेंट कर रहता है कि अपने को कौन से हिसाब कौन सी गति में उसको जाना है, कौन सी गति देना है, कौन सा पाप पुण्य के हिसाब से कौन सा कर्मों के भुगतान उसको देनी है, तो वो हिसाब से उसमें वो अपना कर्मों के पर आधारित है, वो स्वतंत्र नहीं है स्वामी जी। अपने जो एक टाइम अपने बताया था कि स्वतंत्र नहीं है वो, बाकी सब में चीज में जो स्वतंत्र है अपने हिसाब से पूरा कर रहा है, ऐसा इसमें स्वतंत्र नहीं है क्योंकि अपने कर्मों के हिसाब से सब उसको देना पड़ता है। मैं ये कहता हूं कि वो स्वतंत्र नहीं है के मतलब है आपको नर्क गति में भेजना, पशु योनि में भेजना, या देवलोक में भेजना, या मनुष्य गति में भेजना, वो उनके स्वतंत्रता में नहीं आता है। मगर आप कर्म करोगे तो भुगतान के स्वरूप आपको नरगति भी दे सकते हैं, देवलोक भी दे सकते हैं, पशु योनि भी दे सकते हैं, मनुष्य गति दे सकते हैं, देने का काम तो उनका है। स्वतंत्रता का मतलब होता है मर्जी, मगर देने वाला तो वही है भी उनका। नहीं बरोबर स्वामी जी, लेकिन अपनी उसके मर्जी, मान लो कि अपना दिस देवगति का कर्म किया है तो वो देवगति का है तो आपको देवगति देना पड़ेगा, उसके लिए आप नरक तो दे नहीं पाएंगे वो। हाँ पर वो देवलोक देंगे, पर देवलोक भी किसका है। हाँ नहीं वो उसका है, वो अपना पूरा अपना जो है वो बॉडी देवलोक का, बॉडी भी उसका, देवलोक भी उसका, हवा पानी खुराक भी उसका, तो फिर मेरा क्या है वो तो बताइए। नहीं स्वामी जी मैं ये सेंस में, क्योंकि ये दूसरे में वो कैसा अपना पूरा अपना ऑनर है उसमें सब कुछ ही डिसाइडिंग, वो अपना पूरा स्वतंत्र, ऐसा पूरी स्वतंत्रता इसमें नहीं है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए मैं आपको पूछा। हाँ। क्योंकि बाकी में है ना वो सब जो रहता है वो इसके हिसाब से करते हैं, ऐसा सिमिलर दूसरा स्वामी। पहले पहली बात सिंपल समझो कि जैसे आपने इस दुनिया में जन्म लिया तो आपको माता पिता मिले, भाई बहन मिले, परिवार मिला, घर मिला, धर्म मिला, उसके बाद आपने पढ़ाई किया, टीचर मिले, किताब मिले, खाने पीने, हवा पानी, खुराक भी आपको मिला, फिर आपको आगे बढ़ के डिग्री मिली, जॉब मिली, पैसा मिला, मकान मिला, बंगला, मोटर गाड़ी मिला, सब कुछ आपको मिला, वो आपके कर्मों के फलस्वरूप मिला, 100% बात है। हाँ मगर है किसका। नहीं वो है उसका, लेकिन स्वामी नहीं नहीं वो बराबर है अपना जो है दिए, लेकिन अपना उसके मर्जी के हिसाब से नहीं कर सकते स्वामी। मर्जी की बात ही नहीं है ना, मर्जी की बात कहाँ आई,
आप जब दुनिया में नहीं आए तब भी गोल्ड था, डायमंड था, मकान. आपके आने के बाद भी गोल्ड डायमंड मकान है, आपके जाने के बाद भी रहेगा, तो किसका है? नहीं वो तो है नहीं, अपना खाली अपना स्वामी जी, मैं मन वचन काया की बात करता हूँ और कुछ नहीं. और अपना मन वचन काया भी पंच महाभूत कुदरत का ही तो है. ठीक है स्वामी जी, मुझे खाली अपना ये सब है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे पजल हो रहा था अपने, क्योंकि अपना उसके मर्जी के हिसाब से नहीं हो रहा है वहाँ पे अपना, जो बाकी मैं उसका मर्जी के हिसाब से. मैंने मर्जी की क्या बात कहा? आपको माता पिता मिला वो मर्जी से मिला कि हिसाब से मिला? हिसाब से मिला. नहीं नहीं, आप कहते हैं मेरे माता पिता है, बोलते हैं ना आप? नहीं नहीं नहीं, आप अपनी मर्जी नहीं स्वामी जी, कुदरत की मर्जी की बात कर, कुदरत की नहीं चलती है. मेरा कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हम बिहेव कर रहे हैं इन अवर सोशल लाइफ कि ये मेरे माता पिता है, वो हम बोलते हैं ठीक है, पर माता पिता किसने दिया? तो कुदरत ने दिया, हमको तो नहीं मालूम था. तो कहने का मतलब जैसे जैसे हम वहां भी बोलते हैं मेरे माता पिता है, ऐसे वो व्यवहार है हमारा, ऐसे ये सब कुदरत का है और कुदरत ने आपको हिसाब के रूप में, भुगतान के रूप में दिया है. भुगतान खत्म हो जाएगी वापस ले लेंगे, शरीर भी दिया आपको भुगतान के लिए, जैसा हिसाब खत्म हो गया वो ले लेंगे क्योंकि उनका ही था. तो अपने को स्वामी जी वो एंगल से ही अपने को देखना है अपना जो उसके उसका जो दैट्स इट. ओके, ये डायमंड गोल्ड सिल्वर सब किसका है? कुदरत का है. मेरे को मिला है भी, तुमको मिला भुगतान के लिए, आपको ले जाना नहीं है. ओके, कोई भी चीज, ये देवलोक का, देवलोक को मेरे को बॉडी मिला किसके लिए? मिला सफरिंग के लिए. बॉडी तो वहां रहेगी, मैं नहीं ले जा सकता हूँ तो बॉडी नहीं ले जा सकता हूँ, और क्या ले जा सकता हूँ? कुछ भी नहीं. इसीलिए मैंने कहा कि समर्पण करना है तो कुदरत को करो, क्योंकि कुदरत का है. और अगर कुदरत को समर्पित करोगे तो ये विज्ञान में आपको हेल्प होगा कि ये कुदरत का है, वो आप आसानी से समझ पाओगे. ओके, अगर मेरा कहोगे, मेरे कर्म से मिले कहोगे, फिर वही गलती करोगे. नहीं नहीं, वो तो मेरा है. नहीं नहीं, वो तो बोलना ही नहीं है स्वामी, वो तो अपना पूरी समझ. लेकिन अपना ये को अपना कुदरत का है, लेकिन मैं अपना ये सेंस में बोला, अपना कर्मों के हिसाब से कर देते हैं बस, वो सेंस में मैं सोचा था कि स्वामी जी देखो अपना एक इंद्रिय में जब जीव आता है, निगोद से आता है, तभी क्योंकि उसमें स्वामी जी देखो जीव की उत्पत्ति होती है अपना दिस अपना को अपना जो है अपना कोज एंड इफेक्ट के हिसाब से. स्वामी जी तो स्वामी जी देखो एक इंद्रिय में जीव आया तो वहां पे इतना कोई कोज तो है नहीं, इफेक्ट एक इंद्रिय में तो आ गया, वो भी अपना कुदरत के कानून के हिसाब से आ गया स्वामी जी. कोई जगह कुदरत नहीं है, ऐसा कौन सी जगह है बताइए मेरे को. नहीं नहीं नहीं, उसलिए मैं बोल अपना वो सेंस में, क्योंकि पहले से अपने कुदरत के कानून के हिसाब से एकेंद्रीय से आपका पूरा डेल, इसलिए अपना उसका कंटिन्यूटी रहेगी. मैं स्वामी जी ये सोच रहा था कि जब जब एकेंद्रीय से तत्व की बात करेंगे, तत्व की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, तो तत्व भी छह तत्व कुदरत का है, कानून भी कुदरत का है, सिर्फ हमने कर्मचार्य किया है अज्ञानता से राग द्वेष करके, तो सफरिंग के लिए कुदरत ने दिया, सफरिंग खत्म हो गया, ले लिया, पहले था, कुदरत का है और रहेगा. हमको सफरिंग के लिए मिला है, ओनरशिप के लिए नहीं मिला है, तो हमारा है वो तो सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं. हाँ, कोई भी एंगल से कभी भी नहीं रहेगा. नहीं वो बरोबर स्वामी जी, आप जो बता रहे वो सही है. मैं स्वामी जी ये एंगल से देख रहा था कि अपने एकेंद्रिय में जब भी अपने कुंकु इसमें वो टाइम पे इफेक्ट है एकेंद्रिय में आना, लेकिन उसके कोस कोस तो कुछ भी नहीं है, तो एकेंद्रिय वो भी अपनी कुदरती रचना, कुदरत के कानून के हिसाब से अपना वो निगोद में से अपना कुदरती कानून जो बना उसके हिसाब से आप लेके वहां पे आ गए एकेंद्रिय में जीव. हाँ, तो वो वहां भी कुदरती कानून ही है, वहां भी कुदरती कानून. हाँ, वही कुदरती कानून, वहां भी बॉडी देते वो भी कुदरती कानून, कुदरती कानून. हाँ वही स्वामी जी, क्योंकि अपना वहां तो मेरा बोला अपना वहां से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना मनुष्य में आता है तभी उन्हें एकेंद्रिय से अपना जो होता है वहां से कुदरती कानून होता है, इसलिए हम लोग ये मेरी समझ वहां पे अपने एकेंद्रिय में गया ना वहां से अपना समर्पित वहां से शुरू होता है, इसलिए अपने को उसको समर्पित करना, ऐसा मैं अभी सोच रहा था स्वामी जी. तो बराबर पहले से मुझे खाली ये खाली कंफर्म करने का था कि अपना ये सोच जो है सही है कि नहीं. नहीं, पूरा एकेंद्रिय में से लेके पंचेंद्रिय से लेके मनुष्य भव और चार गति और मोक्ष में जाएंगे
सभी जगह कानून तो कुदरत का ही रहेगा। वो डेफिनेटली स्वामी जी, लेकिन शुरुआत स्वामी जी वहां से हुई, वही आपको मैं बोल, मुझे अपना समझ वहां पे था कि आप एकेंद्रीय से, क्योंकि बाद में तो वो तो कंटिन्यूटी है उसमें, तो बाकी अपने कोई भी अपना कर्म करो, कर्म बाकी जो करो वो तो अपना देश भाव से अपना कर्म बनता है, तो अपना भाव की सत्ता वो आपके हाथ में, बाकी को कुछ नहीं आपके हाथ में। तो इसलिए कुदरत का कानून और कुदरती रचना वहां से केंद्रीय से शुरू हो गई है, मैं मेरी समझ, इसलिए मैं अपना अपना कुदरत को समर्पित करना ये एंगल में मैं सोच रहा था स्वामी, इसलिए मैंने आपको प्रश्न पूछा पे कहां से ऐसा शुरू हुआ। नहीं वो तो पहले से है ना, वो तो एकेंद्रीय से ही कुदरती कानून जब व्यवहार राशि में आए तब से कुदरत का कानून ही लगेगा। बरोबर है स्वामी जी, राइट, तब से लगेगा और मोक्ष में जाओगे तब तक लगेगा। नहीं बरोबर है स्वामी, वो तो बरोबर है स्वामी। ओके ओके, हाँ स्वामी, कोई प्रश्न कोई है तो मैं है तो मैं बाद में प्रश्न पूछा नहीं तो फिर अपना दूसरे को पूछने प्रश्न पूछ लीजिए स्वामी। हाँ हाँ ओके, बोलो और कोई है तो। रेखा बेन, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय सच्चिदानंद। अभी वहां से त्रिमंदिर से किताब लेके आए थे, उसमें पढ़ रहे थे तो थोड़ा एक एक शब्द का मीनिंग नहीं समझ में आया, एक लाइन का सेंटेंस का, तो मैं पढ़ के सुनाऊं आपको। अंतःकरण में, अंतःकरण में सबसे पहले कर्मों की नकारात्मक नेगेटिव तस्वीरें आती है और बाद में सकारात्मक होकर बाह्यकरण में आती है, अर्थात रूपक में वे आती है। ए, क्या कहना, नेगेटिव और ऐसा मतलब अंदर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, क्या कहना चाह रहे? अंतस्करण में पहले नकारात्मक, हाँ नकारात्मक, अंतकरण में सबसे पहले कर्मों की नकारात्मक तस्वीरें आती है और बाद में सकारात्मक होकर बाह्यकरण में आती है, अर्थात रूपक में पॉजिटिव होकर के आती है। ये जो शब्द लिखा है ना बहुत डेंजरस है ये, क्योंकि जिसने भी ट्रांसलेशन किया है वो वेरी डेंजरस है। मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन कर दूं, मैं समझ गया वो क्या कहना चाहते हैं। आपको आपको फोटो पढ़ते थे वो नेगेटिव पॉजिटिव मालूम है आपको? हाँ वो पता है, बस ये कहना चाहते है। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव ये नहीं, अच्छा मतलब फोटो की नेगेटिव होती है फिर पॉजिटिव, पहले फोटो की नेगेटिव होती है फिर पॉजिटिव आता है, यही कहना चाहते। मैं ये सोच रही थी कि अगर अंदर नकारात्मक छवि है तो बाहर आने के वक्त पॉजिटिव चेंज कैसे कर दिया, वो तो कर्म जैसा होगा वैसे। ट्रांसलेशन जो किया है ना जिस व्यक्ति ने भी हिंदी में, समझ डेंजरस है। मैंने बहुत सारी बातें ऐसी सुनी है, ऐसी पढ़ी है, मगर क्या करूंगा, लोग तो यही सुनेंगे यही पढ़ेंगे यही समझेंगे। ये तो मैंने आपको उत्तर दिया नहीं दुआ, तो वो तो यही समझेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव यही समझेंगे। हाँ सही सही सब, मतलब वही ऐसे ही समझना ना कि फोटो खींचते जब जैसा नेगेटिव होता है और बाद में उसका उसका फिर पॉजिटिव बाहर आता है। पॉजिटिव का मतलब होता है जो जो प्रिंट, जो पहले नेगेटिव का मतलब होता है ब्लैंक फॉर्म, हार्ड फॉर्म जो होता है पिक्चरल फॉर्म। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, आपको पिक्चर दिखाता नहीं है मगर पिक्चर तो आ गया, पिक्चर तो आ गया राइट है, फिर उसको प्रोसेस करके आपको फोटो देता है, वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव वही स्वामी जी 9 दिसंबर के सत्संग में कमलेश भाई ने 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे। यह सत्संग गुजराती में थे, मुझे काफी तो समझ में आ गया, परंतु मैं चाहता हूं कि इस विषय पर चर्चा हिंदी भाषा में भी हो। ये विषय है सम्यक ज्ञान लेने के बाद या दृष्टि परिवर्तन होने के बाद अज्ञान बढ़ता नहीं पर अज्ञान गाढ़ या पतला डाइल्यूट हो जाता है। घाटी कर्मों की क्वालिटी वेरी होती है। दूसरा था पेंडिंग कर्मों की परिभाषा। पेंडिंग कर्मों की स्ट्रेंथ और संख्या बढ़ सकती है यदि ज्ञान का सही उपयोग नहीं किया।
घाती कर्म या अज्ञान की क्वालिटी में वेरिएशन होने से अघाती कर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ या घट सकती है। अघाती कर्मों कर्म जिसे कुदरत डिस्चार्ज करती है उसमें संभाव रखा तो घाती कर्म डाइल्यूट होंगे या निर्जरा होगी, और प्रमाद में घाती कर्म गाढ़ होगा और ने अघाती कर्म का बंध भी ने अघाती कर्म स्ट्रॉन्ग या डाइल्यूट भी हो सकते हैं। ठीक है साहब, ये जो मैंने अभी नहीं उसमें आपको क्या समझना है, मैं कहता हूँ आपने जो बताया वो मैंने सुना, आपको इसमें समझना क्या है? टू द पॉइंट, मैंने ये जो समझा है वो मैंने लिखा है, ये आप मेरा ठीक है समझ क्या? नहीं वो तो मेरे को आप ऐसा करो कि ये लिखकर भिजवाना मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, हाँ। तो मैं उनको जो भी करेक्शन है वो मैं आपको सेंड करके दे दूंगा या तो ओके करके दे दूंगा, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें कहा है तो आप समझे ना, तो अभी मैं अलग अलग नहीं बोल सकता हूँ, मगर मेरे को आप सेंड कर दूंगे, मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर पिक्चोरियल फॉर्म में, आपने जो लिखा है वो मेरे को सेंड कर देना। अच्छा ठीक है जी। दूसरा, बिलीफ से उत्पन्न अज्ञानता या घाती कर्मों से बिहेवियर और नया बिलीफ, ये जो बिलीफ है जो आपने बताया कि जो के घाती कर्म के रूप में हमारे अंदर है, तो बिलीफ से नया बिहेवियर, पहली बार हमने सुना है बिहेवियर की उत्पत्ति होती है और एक और नया बिलीफ पैदा होता है जो कि डिस्चार्ज रूप में होता है, और फिर दोनों भी बिलीफ भी और बिहेवियर दोनों खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल बिलीफ है वो अगले जन्म में भी ट्रांसफर हो जाता है, वो हटता नहीं है जब तक के ज्ञान से उसको। नहीं नहीं नहीं, समझ में आ गया, आप कहां कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं। देखो आपके पास अभी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहन ये कर्म कई अवतारों से है। इट इज टू बी कॉल्ड उसको क्या कहेंगे, घाती कर्म। हाँ जी, अभी ये घाती कर्म आपको कई अवतारों से, हाँ जी ठीक है जी, अभी आप जब कर्म के भुगतान कर रहे हैं वर्तमान में, अघाती कर्म को भुगतान बोलते हैं, अथवा तो भुगतान किए हुए कर्म को अघाती बोलते हैं, ठीक है? हाँ जी। उस समय आपके अंदर जो बिलीफ के रूप में जो चार्ज किया था विद द हेल्प ऑफ अघाती, विद द हेल्प ऑफ घाती कर्म, घाती कर्म, हाँ जी, क्योंकि घाती कर्म से ही तो बिलीफ बनती है ना, अगर वो नहीं है और मन वचन काया है तो मोक्ष है। नहीं, बिलीफ से घाती कर्म, एक मिनट, जैसे महावीर का मोक्ष हुआ अघाती कर्म तो थे, हाँ जी, तो घाती कर्म से, घाती कर्म है वो नए कर्म चार्ज करने का एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे बिलीफ बनती है, हाँ जी, और वो बिलीफ से कर्म बनते हैं और कर्म का रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में आता है, तो वो बिलीफ जो घाती कर्म से बनी वो घाती कर्म नहीं है, वो कर्म है। क्या बताया? नहीं, मैं पहले तो ये था ना कि बिलीफ से घाती कर्म बनते हैं, अब आप कह रहे हैं कि घाती कर्म से बिलीफ बनता है। नहीं 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 नहीं, अभी भी आपने कंफ्यूज हो गए, ये जो हमारा घाती कर्म है वो कहीं अवतारों की बिलीफ से मजबूत हुआ है। अच्छा, हाँ जी, अभी आप इसमें से संयोग के अधीन यूज करते हैं, उस समय जो बिलीफ बनती है उससे कर्म बनते हैं जिसका भुगतान नेक्स्ट बर्थ में मिलता है, उस समय कर्म फल भी खत्म हो गया और वो बिलीफ भी खत्म हो गई। अगर वो बिलीफ आपने फिर उसको सही माना तो आपका घाती कर्म और पक्का होगा। अच्छा अच्छा, बिलीफ से फिर घाती कर्म और पक्का हो जाएगा, ठीक है, मगर जो आपकी बिलीफ थी वो भी खत्म हो जाएगी और इसका रिजल्ट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्चार्ज कहेंगे। हाँ जी, जो हमने मन वचन काया तीनों को डिस्चार्ज किया बताया, तो मन के अंदर तो आप बिलीफ लेकर ही आए, वो भी डिस्चार्ज है, हाँ हाँ, और बाहर के संयोग स्पीच और एक्शन जुड़ा हुआ है वो भी डिस्चार्ज है, हाँ,
और जो घाती कर्म है वो तो है ही, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अगर उसका ज्ञान का उपयोग, अगर आपने विज्ञान का उपयोग किया तो वो माइल्ड होगा और धीरे धीरे माइनस होगा। हाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं किया तो पक्का तो होगा ही। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा स्वामी जी, शुरू शुरू में बताया गया था कि ज्ञान प्राप्ति के बाद नए कर्म जुड़ेंगे नहीं, नए कर्म नहीं जुड़ेंगे, यानी पेंडिंग कर्मों की मैं बात कर रहा हूँ अभी। जब हमने ज्ञान लिया था तब शुरू में बताया गया था कि अब नए कर्म जुड़ेंगे नहीं, जो पाइपलाइन में कर्म है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। लेकिन अभी अभी आपसे ये मालूम हुआ है कि ऐसा नहीं है कि वो कर्म गाढ़ होते हैं और गाढ़ होने से बाद नए कर्म जुड़ते हैं और वो फिर मतलब अगर उनका निवारण नहीं किया गया तो वो कर्म जो है ना इसी चक्कर में चलो कई अवतार इसमें गुजर जाते हैं। बराबर। तो, हाँ बोलिए बोलिए। मेरा ये प्रश्न था कि आपने फिर ऐसा भी बोला था कि अगर नए कर्म नहीं जुड़ते हैं तो ये नरक लोक और देव लोक फिर आपको कैसे आगे जन्म में मिलेगा? हाँ फिर नहीं मिलते हैं। मैं मेरा ये सोचना था उस वक्त कि जो पहले से किए यानी आपने ज्ञान लेने से पहले जो अगर नरक के कर्म भी बांधे हैं। मैं आपको उत्तर दे दूं, मैं समझ गया आपका प्रश्न क्या है। मैं समझ गया आपका प्रश्न ये है कि ज्ञान लेने के बाद जो बताया गया है कि हमको नए कर्म नहीं बनेंगे और पाइपलाइन में है उसको भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, ये आपको बताया था, ठीक है। ये रिलेटिव सत्य को छोड़ दो। हाँ जी, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके ठीक है, हाँ जी छोड़ दो इनको। हमने क्या कहा, विज्ञान ये कहता है जहां तक अज्ञान है वहां तक कर्म बनेंगे, ओनली इन अ लास्ट बर्थ नहीं बनेंगे, दैट इज द प्रिंसिपल। हाँ जी ठीक है। अभी किताब में क्या लिखा है, किसी ने क्या कहा है, कब कहा है, वो हमारा सब्जेक्ट डिटेल में जाने का नहीं है। नहीं है ठीक है, क्योंकि फिर उसके ऊपर टिका टिप्पणी क्यों करेंगे जब हमको वो सब्जेक्ट में ही नहीं जाना है तो। हाँ जी आप समझे, सिंपल बात है कि लास्ट बर्थ के अलावा हर अवतार में हर लोग कर्म बांधेंगे तभी नया कर्म, कभी नया जन्म होगा इनका, नया सफरिंग होगा और आप कहोगे कर्म नहीं बनेंगे तो फिर गति कैसे होगी। महावीर के भी 27 में नर गति भी गए, देवलोक भी गए, पशु योनि में भी गए, तो क्या उसके पास ज्ञान नहीं था? अच्छा हाँ ठीक है जी, तो बात तो समझनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए मैं ऐसी बातों को टिप्पणी टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, सिंपल बोलता हूँ रिलेटिव सत्य आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये गलत है कि सही है, दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट। हाँ जी, मेरा सब्जेक्ट है व्हाट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड व्हाट इज द रिलेटिव ट्रूथ, दैट्स इट। और रिलेटिव ट्रूथ में डीप में नहीं जाने का है, किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार है, हम इसमें डीप में क्यों जाएंगे, व्हाई, वी आर साइंटिस्ट। नहीं वो तो ठीक है, आपकी बात सही है। किया है कहा है ठीक है, हम मना नहीं करते। अभी हमको विज्ञान मिला फिर वो रिलेटिव सत्य की बात करेंगे तो फिर क्या होगा। तो they are right at his viewpoint, it's okay. जितने कर्म हम बांधते हैं इस जन्म में वो अगले मनुष्य जन्म आने तक वो सब पूरे हो जाते हैं क्या, कि अघाती कर्म सारे समाप्त हो जाते हैं? कई जन्मों में वो आगे ट्रांसफर भी हो सकते हैं, पेंडिंग भी रहते हैं। हाँ, अघाती कर्म 99.99% खत्म हो जाते हैं नेक्स्ट ह्यूमन लाइफ में, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, कोई कर्म ऐसा होता है एक्सेप्शनल जिसको बोलते हैं, जिसके लिए संजोग नहीं है तो वो पेंडिंग हाँ। रहता है, जैसे भगवान महावीर ने 27 पहले बनाया था कर्म, वो 27 भव के बाद खत्म हुआ, तो वो एक्सेप्शनल बोलते हैं, नॉट नॉर्मल। आप समझे ना, ठीक है। तो नॉर्मल कर्म तो खत्म हो जाते हैं सब, 100% खत्म हो जाते हैं नेक्स्ट ह्यूमन लाइफ में। ठीक है सर।
yes, कोई okay. कुछ भी पेंडिंग नहीं रहता है, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहता है. मैंने कहा ना कि ऐसे एक्सेप्ट कर, वो भी सबका नहीं होता है, सबका तो 100% खत्म हो ही जाता है. अच्छा हाँ ओके सर धन्यवाद. तो ऐसी बातें जब समझते हैं ना, तो आप एक साइंटिस्ट की तरह, किसी ने क्या कहा है, किताबों में क्या लिखा है वो छोड़ दो, एक साइंटिस्ट की तरह सोचो कि अगर मैं मनुष्य भाव में आया हूं और मैंने आज कर्म चार्ज किया, और अगर मैंने चार्ज कर्म चार अवतार के किए, उसमें एक अवतार था मेरा पशु योनि का, एक अवतार था नरक गति का, एक अवतार था देवलोक का, और चौथा मेरा था मनुष्य भाव का. ये चार गति मेरे को क्यों मिली? जो मैंने कर्म किया था इसको फिनिश करने के लिए. एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ जी ठीक है. फिर आप कहोगे कि भी मनुष्य में दूसरी बार जब मैं आया तो मेरे पास अभी और कोई कर्म होगा, तो फिर आप आए क्यों? हाँ. नए कर्म बनाने के लिए तो आए, आए थे तो फिर आप घूमेंगे नहीं. हाँ जी बिल्कुल ठीक है. हाँ जी तो तीनों अवतार के कर्म जो मनुष्य के अलावा था वो आपने खत्म कर दिया, जो आपने मनुष्य भाव में चार किया था. अभी लास्ट पद आपका बाकी रहा मनुष्य भाव में, क्यों? क्योंकि वो भी आप लेकर आए. मगर क्यों लेकर आए? क्योंकि तभी तो आपको मनुष्य भाव मिला. अभी क्या करोगे? या तो मोक्ष में जा सकते हैं, या तो नया कर्म चार्ज करो, तभी तो आपकी गति शुरू हो जाएगी साइकिल. हाँ जी ठीक है समझ गया. ओके ओके चलो अभी शुरू करो. हाँ એમાં આપે કીધેલું કે તીર્થંકરના જે દેશના છે એ ઉદય કર્મ છે. દેશના તીર્થંકર નું આખું જીવન ઉદય કર્મ છે. તો સ્વામી દેશના બી તો ઉદય કર્મ હોય તો ઈ એવું આપણા માટે શાસ્ત્ર કેવી રીતે રચાય સ્વામીજી? જે રીતે મહાવીર સ્વામી આપે કાલે છે ને ઓડિયો ક્લિપિંગમાં આવેલું કે તીર્થંકર નો લાસ્ટ ભાવ જે હોય બધો ઉદય કર્મ હોય, તો આપણે આજે દેશના ને બી ઉદય કર્મ જ લેવાનો સ્વામીજી? એમ પૂછવું હતું. બધું ઉદય કર્મ, જીવ માત્ર નું, એમનું એકલા નહીં. આ દુનિયામાં જન્મેલા કોઈ પણ જીવના મન વચન કાયા એ કુદરતી રચના છે. તીર્થંકર તો ટાઇટલ છે, મન વચન કાયા તો કુદરતી રચના, ચક્રવર્તી ટાઇટલ, મન વચન કાયા કુદરતી રચના, વાસુદેવ ટાઇટલ, મન વચન કાયા કુદરતી રચના, રાજા ટાઇટલ, મન વચન કાયા કુદરતી રચના, પ્રજા ટાઇટલ, મન વચન કાયા કુદરતી રચના. ઈ બરાબર છે, સમજાય, ઈ સમજાય છે સ્વામી. એટલે તમે એમ માનો છો કે આ મન વચન કાયા નો જે કુદરતી વાત છે એમને લાગુ ના પડે, એવું કેવું તમારે? ના ના એવું નહીં. એટલે એમને જે કુદરતી વાણીના ભાગમાં લાગુ ના પડે, વાણીના ભાગમાં લાગુ ના પડે એવું તમારે કેવું છે? ના ના એટલે એમનું આખું આ જે દેશના સ્વરૂપે જે નીકળે સ્વામીજી, ઈ આખું વિજ્ઞાન સંપૂર્ણપણે સમજાવી ઈ હોય, એમ મારું પૂછવાનો અર્થ તાત્પર્ય. એમનું જ્ઞાન દર્શન સંપૂર્ણ હોય એમાં તો આપણે ક્વેશ્ચન કરતા નથી જી. એટલે ઈ સંપૂર્ણ પ્રકારનું વિજ્ઞાન હોય ઈ એટલે દેશના એને કહેવાય. એમનું જ્ઞાન દર્શન સંપૂર્ણ હોય એ તો આપણે વાત એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ. બસ 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 મને જરા કન્ફર્મેશન કરવું હતું, કેમ કે અહીંયા મને થોડું કન્ફ્યુઝન હતું એના માટે. કારણ કે કેવળ જ્ઞાનીનો મતલબ શું થયો? હા એટલે સંપૂર્ણ વિજ્ઞાન જાણતો જ હોય, બરાબર છે. તો પછી એમાં ક્વેશ્ચન કેમ ઉભો થાય એમ પૂછું છું. કોઈ વ્યક્તિ એવું કે મહાવીરને અધૂરું જ્ઞાન હતું કેવળ જ્ઞાન વખતે, એવું કે? તો એટલે મને એ જ હતું કન્ફ્યુઝન કે દેશના એ ઉદય કર્મ, એટલે મને જરા કન્ફ્યુઝ હતું સ્વામી. પણ દેશના એ તો ઉદય કર્મ છે એ તો બરાબર છે, પણ જ્ઞાન દર્શન તો સંપૂર્ણ છે ને. એ ઉદય કર્મ માં જે વાણી બોલ્યા એ વાણી આગલા અવતાર માં જ એમને કેવળ દર્શન થઈ ગયેલું. જી 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 સ્વામીજી, જી સ્વામી. ઓકે ઓકે સોરી 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 સ્વામીજી. આજે હું અત્યારે બોલું છું, બરાબર છે? અત્યારે હું તમને બધાને વિજ્ઞાન સમજાવું છું, હું કહું છું મારા દર્શનમાં છે, મારા અનુભવમાં છે, એ પણ કુદરતી રચના છે. જી જી ઈ તો બરાબર સ્વામી, બરાબર. એવું તીર્થંકર મારું અત્યારે આ લેવલ છે. તીર્થંકર લેવલ કેવું હોય એની એ લેવલની વાત નીકળે છે, પણ કુદરતી રચનાની બહાર કેવી રીતે હોય? ના ના હોઈ શકે, બરાબર છે, બરાબર છે, બરાબર. ઓકે ઓકે થેન્ક યુ સ્વામીજી, બસ કન્ફ્યુઝન હતું એ દૂર. થેન્ક યુ, જય સચ્ચિદાનંદ. સ્વામીજી આપણે આની સાથે વાત કરી, આપ
પૂછું આપની જેવી સત્સંગમાં કુદરતને વધારે એ બરાબર છે કુદરત થ્રુ આપણને મળતું હોય છે બધું રિઝલ્ટ પણ એક્ચ્યુઅલી આમ જોવા જોઈએ તો આખી સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ થતી હોય છે સ્વામીજી સાયન્ટિફિક સાયન્સ કુદરતને જ સાયન્સ શબ્દ લાગુ પડે છે કુદરતને સાયન્સ શબ્દ લાગુ પડે અને આત્માને વિજ્ઞાન ઘન શબ્દ લાગુ પડે કુદરતને સાયન્સ શબ્દ લાગુ પડે છે સાયન્ટિફિકલી ફંક્શન થતું હોય છે બરોબર ને સ્વામીજી હા આપણું અસ્તિત્વ દુનિયામાં હોય કે ના હોય કઈ લોકો સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં ગયા તો એ દુનિયા તો ચાલે જ કરે સાયન્ટિફિકલી હા એ ચાલ્યા જ કરે છે એટલે મીન્સ કુદરત કુદરત જ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છે એમ તમે કહો છો ને હા કુદરત તત્વ સ્વરૂપ છે અને કુદરત વિજ્ઞાન કુલમાંથી કામ કરે છે જેને આપણે કુદરતી રચના કહીએ છીએ લો એટલે સાયન્સ લો એટલે સાયન્સ છે એસ ટુ ઓછી પાણી થાય સાયન્સ થઈ ગયું કોઈની મત હા એટલે હા એટલે આ હા સ્વામીજી આ કુદરત છે એ કુદરતમાં એમ કહી શકાય કુદરત છે એમાં છ તત્વો છે બરાબર છે કુદરતની અંદર છ તત્વો આવેલા છે બરાબર છે આ છ તત્વોમાંથી બધા પોતપોતાના સ્વભાવમાં છે પણ મેઇન જેને કહેવાય કે ચેતન જે છે ચેતન જે છે એ આપણે અનંત શક્તિ વાળો છે અને જેને કહેવાય કે એ ચેતન સ્વરૂપ છે બરાબર ને એટલે જીવન જેને કહેવાય તે એટલે સંશેષણ ને બધું ખબર પડે એનાથી એની પ્રેઝન્સ થી એ એટલા માટે ખબર પડે છે આપણને એટલે જીવન કહી શકાય એને અને એટલા માટે કે એ જડ અને ચેતન જયારે ભેગા થાય છે સ્વામીજી હા ત્યારે પછી આજે એ ત્યારે સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ થાય છે કારણ કે કુદરતનો કાનૂન ત્યાં લાગુ પડે છે કારણ કે પોતાના સ્વભાવમાં ન રહ્યો એ હા અને પછી અહીંયા આવી ગયો મીન્સ આ પ્રોસેસ થઈ ગયા જડ અને ચેતન ભેગા થવાથી જડ અને ચેતન ભેગા થવું પણ ત્યારે જે ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન થઈ એનું નામ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા એનું નામ મિશ્ર ચેતન એનું નામ લાઈવ ઈગો એનું નામ અજ્ઞાન હા હા એ વાત બરાબર છે સ્વામીજી એ એગ્રીડ છે પણ એટલે બે હોવાથી નહીં બે હોવાથી બે હોવું આત્મા ઓર જડ ઓર ચેતન જો દોનો સાથ મે આને સે જૈસે યે વિશેષ પરિણામ ઉત્પન્ન હોતા હૈ ઉસી સે અજ્ઞાનતા સે યે પૂરા કર્મ બંધન હો જાતા હૈ ઓર યે તો પૂરી દુનિયા બન ગઈ હૈ જો મનુષ્ય લોક જો દેખતે હૈ જિસ તરહ સે ઇતની બડી દુનિયા ખડી હો ગઈ હૈ વો સિર્ફ માત્ર અજ્ઞાનતા કે કારણ હો ગઈ હૈ વો એસા નહીં બોલને કા દુનિયા કી બાત નહીં કરને કા જો મનુષ્ય કર્મ કી ભુગતાન કરતે હૈ વો ભુગતાન કા કારણ ઉસકી અજ્ઞાનતા હૈ યે સૂર્ય ચંદ્ર અજ્ઞાનતા નહીં હૈ યે સમંદર અજ્ઞાનતા પહાડ અજ્ઞાનતા નહીં હૈ યે બારિશ હોતી હૈ અજ્ઞાનતા નહીં હૈ દુનિયા શબ્દ બોલને કી ક્યા જરૂરત હૈ દુનિયા યાની યે મનુષ્ય મનુષ્ય કે જો હૈ ના વો બાત કર રહે હૈ વો નેચરલ નેચર દુનિયા મે મનુષ્ય કે અલાવા કુછ નહીં હૈ મનુષ્ય કે અલાવા હૈ ના તિર્યંશ ભી હૈ ના તો વો ગતિ ભી મિલતી હૈ ના તો ફિર તુમ મનુષ્ય ભવ કી મનુષ્યો કી બાત કરોગે તો યુ યુઝ ધ વર્ડ દુનિયા કા મતલબ ઓનલી હો ગયા હા યે બાત હૈ કી ઉસમે એક લિમિટેડ પાર્ટ આ ગયા અગર મનુષ્ય કોઈ ઇન્વોલ્વ કરે તો વો પાર્ટ કી બાત કરની હૈ કે મનુષ્ય કે અંદર જો ભી દુનિયા મે મનુષ્ય પેદા હોતે હૈ વો અપને અજ્ઞાનતા કે કારણ જો કર્મ બનાતે હૈ ઉસસે ઉસકો યે મનુષ્ય જન્મ મિલતા હૈ હા હા સહી બાત હે સ્વામી જી તો યે એક્ચ્યુઅલી યે કોર્નર હો ગયા મે કહુંગા મે એક સેન્ટેન્સ બોલા કે મન વચન કાયા કી અવસ્થા માત્ર કુદરત જેતના હૈ યહી કુદરત કા કાનૂન હૈ નહીં યે વન ઓફ ધ કાનૂન નોટ હા વો હોલ એન્ડ સોલ નહીં હૈ હોલ એન્ડ સોલ નહીં હૈ સ્વામી જી સહી બાત હે વો તો આપકી સહી બાત હે કી વો હોલ એન્ડ સોલ નહીં હૈ મગર મેરા ક્યા કહેના હૈ સ્વામી જી અભી મે આપકો કરેક્શન કરવાતા હું મગર જબ કિસી કે સાથ બાત કરેંગી ઓર ઉસ સમય જબ એક્સપ્લેન કરેંગી તો વો આપકો ચાર પ્રશ્ન કરેગા ફિર આપકો વિડ્રો કરના પડેગા કે નહીં નહીં બાત મેરી બરાબર બરાબર આપકી મેરે કો એસા નહીં બોલના ચાહિયે એસા બહાર કે લોગ આપકો કહેંગે અભી મેં આપકો સિખાતા હું બાદ મેં બહાર કે લોગ સિખાયેંગે આપકો સહી બાત હૈ સિખાતે હૈ સ્વામી જી સભી લોગ સિખાતે હી હૈ ક્યોંકિ સી ઇસીલિયે મેને કહા કોઈ ભી બાત કરને સે પહેલે સાયન્સ કો આપને સામને વિઝન મે રખો
then you can explain it. हाँ 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 नहीं सही बात है स्वामी जी. वो मतलब वो पूरा ब्रॉड विजन से वो इसमें नहीं आ पाता है, वाणी में नहीं आ पाता है. मगर एक्चुअली हमारा पजल क्या है, एक मुझे दिखता है कि ये मनुष्य जो है वो क्यों फंसा हुआ है. ऐसे देखने जाए तो कि मनुष्य इसलिए फंसा है क्योंकि अज्ञानता के कारण फंसा है. यानी अज्ञानता जहां पर आती है वहां मनुष्य को रिलेटेड हम बात कर रहे हैं स्वामी जी. बराबर है. तो ये जो है वो जड़ एंड चेतन का जो ये हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है, उससे ये पूरे मतलब ये जो है कर्म बंधन में फंस जाते हैं हम, जिसका हमें पता ही नहीं चलता कि किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है करके. तो वो मैं बोलती हूँ वो साइंटिफिकली पूरा होता है क्योंकि वो तत्व है, इटर्नल एलिमेंट है. वो तत्व पास में आते हैं तभी ये सब प्रोसेस होती है, साइंटिफिक प्रोसेस होती है. जो परमाणु चार्ज होते हैं वो भी कोटेड होते हैं, जिस तरह के भाव होते हैं वैसे परमाणु चार्ज हो जाते हैं. और फिर वो मतलब वो नेक्स्ट बर्थ में जब इसकी मैच्योरिटी होती है तभी उसको वो देने के लिए सब ये हो जाते, तैयार हो जाते हैं. मगर वो जो है जो जब वो ये होता है अज्ञानता में जो कुछ भी भाव होते हैं उस पर कुदरत का कानून काम करता है स्वामी जी. और वो कुदरत का कानून के हिसाब से उसका हमें फल मिलता है. जो परमाणु चार्ज हो जाते हैं बराबर है, जो जिस वक्त भाव हुआ है हमारा उसी वक्त जो बोलते हैं कि कुदरत का कानून भी लागू पड़ता है तभी. और उसकी वजह से ये परमाणु है वो चार्ज हो जाते हैं. वो सही है जो ये है विचारना, वो सही है स्वामी जी. नहीं वो तो बराबर है, मगर आप क्या उसमें जानना चाहते है वो मेरे को अभी समझ में नहीं आया. नहीं मेरा सिर्फ ये मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है कि ये पूरा है वो ये पूरा बस साइंटिफिक वे से चलता है सब कुछ है. तो साइंटिफिक तो है तो कुछ में कौन मना करता है. हाँ वो साइंटिफिक वे है मगर वो जो कुदरत जो हमें रिजल्ट देती है स्वामी जी, वो कुदरत देती है, कुदरत कुदरती कानून के हिसाब से देती है. मगर जब रिजल्ट कैसे देती है क्योंकि हमारा अज्ञानता है. जिस तरह के हम ये करते हैं परमाणु चार्ज करते हैं उस जिस तरह के भाव होते हैं उस तरह से कुदरती कानून के हिसाब से कुदरती रचना बन जाती है. वो भी जब उसका मैच्योर होता है टाइम तभी हमको मिलता है वो. तो बराबर तो जो कुदरत है क्योंकि कुदरत है वो तो जड़ ही है ना स्वामी जी. फिर बराबर है जड़ है फिर. हाँ तो इसके लिए मतलब ये मेरा हमेशा ऐसा है कि ये पूरा जो है साइंटिफिकली चलता है और ये कुदरत है वो भी एक पार्ट है, सिर्फ रिजल्ट देने का पार्ट है. नहीं तो इसके अलावा क्या कहोगे फिर, एक पार्ट कहोगे कुदरत को तो दूसरा पार्ट कौन सा है. यानी जो अननेचुरल नेचर के बारे में अभी से स्पेसिफिकली उसी के बारे में बात कर रही हूँ मैं. तो अननेचुरल नेचर भी तो कुदरत है. अननेचुरल नेचर जो है स्वामी जी उसका जो हमें जो कुदरत के अननेचुरल नेचर कुदरत थोड़ी है. तो क्या है कुदरत का, ये सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र ये भरती हो ये समंदर ये नदियां ये पहाड़ नेचर में आ गया ना स्वामी जी. ये नेचुरल नेचर में आ गया वो भी इससे चलता है जो बोलते हैं ना कि उसकी गति के हिसाब से सब कुछ चलता है. वो नेचुरल नेचर है. ये अननेचुरल नेचर का मतलब होता है जो व्यक्ति भाव करता है उनका जो संजोग देते हैं इसीलिए वो नेचुरल शब्द आएगा पहले अननेचुरल आएगा. वहां नेचुरल नेचर आया या अननेचुरल नेचर क्योंकि यहाँ कॉज के ऊपर डिपेंड है सर्कमस्टेंसेस. हाँ तो मैंने अननेचुरल नेचर ही कहा स्वामी जी उसे. तो उसके अंदर वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट आ गया. क्या आ गया इंडिविजुअल सब्जेक्ट. बाकी का जो नेचुरल नेचर है वो तो वही का वही रहेगा. हाँ तो मैं यही कहना चाहती हूँ ना कब से कि अननेचुरल नेचर के बारे में मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली. वो तो अपने गति से सब चलायमान है मगर यहाँ पर अज्ञानता हो गई है इसके लिए ये हो जाता है. ये पूरी हमें जो पांच इंद्रियों से जो दुनिया नजर आती है ये मनुष्यों की दुनिया जो है हमारा व्यवहार जैसे चलता है वो वैसे खड़ी हो गई है ऐसे हमेशा लगता है. बराबर है, बराबर है. एक कुदरत है वो पूरा एक माध्यम है क्योंकि वो साइंटिफिक प्रोसेस जो होता है तो वो जो रिजल्ट देने का जो माध्यम है वो कुदरत है. बराबर है मगर आप जब कुदरत बोलते हैं ना इसको माध्यम गिनोगे तो फिर उसके ऊपर क्या है वो आपको बताना पड़ेगा ना. इफ यू टॉक इन डिजिटल मीडिया तो उसके बाहर दुनिया होगी ना फिर.
मगर माध्यम इस तरह से है क्योंकि वो साइंटिफिक प्रोसेस है, वो जो हमें मिलता है, रिजल्ट मिलता है, उसको माध्यम, इसको माध्यम नहीं बोला जाता है, इसको आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, द वर्ड्स इज नॉट करेक्ट, नेचर इज नेवर, कुदरत इज नेवर मीडिया। कुदरत का काम क्या है कि कुदरत तो पूरे ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड उसी का बना हुआ है। हम जब कर्म कर रहे हैं तो कर्म का फल स्वरूप जो काम करता है वो पार्ट हमारे लिए है, इंडिविजुअल सफरिंग है। इसको हम कुदरती रचना समझे, ऐसा मत समझे कि ये मेरा है या तो मैंने किया, क्योंकि कुदरती रचना है। ये नहीं समझते हैं, इसको अज्ञान कहते हैं, इसे कर्म बनते हैं। तो कुदरत रचना है। हाँ स्वामी जी, वो एग्रीड है, कुदरती रचना है, मगर कुदरती रचना जो हमारे उसमें आई है अभी प्रेजेंट, जो फल देने के लिए आई है, उसके लिए कारण वो तो यही है ना, अज्ञानता ही है ना उसके लिए कारण। तो हाँ, तो वो तो अंदर है ना अज्ञानता, तो वही मैं कह रही हूँ ना स्वामी जी। तो हाँ, तो अज्ञानता अंदर है फिर। हाँ, तो ये जो कुदरती रचना पूरी जो बन जाती है उसका कारण क्या है, तो कारण तो अज्ञानता है ना स्वामी जी। मैं कौन हूँ, ये कैसे चल रहा है वो नहीं पता है, बराबर है। इस बेसिस पे पूरे कर्म बंधन होते हैं ना। अज्ञानता ही सभी प्रकार के कर्मों की जड़ क्या है, अज्ञानता। अज्ञानता ही है, और ये अज्ञानता के कारण ही हम जो है वो ये साइंटिफिक प्रोसेस होती है उससे कर्म बंध होते हैं हमारे, बराबर है। और जब वो उसकी मैच्योरिटी होती है तब वो पूरे संजोग अपने आप आ जाते हैं हमको कर्म फल देने के लिए। हाँ। इतना ये सिस्टमेटिकली सब कुछ चल रहा है स्वामी जी, साइंटिफिकली चल रहा है, क्योंकि उसमें इतनी भी गलती नहीं होती है। तो आपको एज अ साइंटिस्ट इतना समझना है कि आत्मा जो है वो इनफाइनाइट पावर वाला है, और कुदरत है वो मूल रूप से तत्व के रूप में सनातन है और अवस्था के रूप में टेम्पररी होता है। हाँ। आत्मा कोई भी फॉर्म में परमानेंट है, आत्मा का अस्तित्व कहो, आत्मा की क्वालिटीज कहो, आत्मा का नेचर कहो, आत्मा का एग्जिस्टेंस कहो, सब कुछ परमानेंट है, सब परमानेंट है। हाँ, जब आत्मा के सेवा तत्व की बात करोगे तो तत्व परमानेंट है, अवस्था टेम्पररी है। हाँ हाँ, बराबर है स्वामी जी। इसके आगे आपको ये समझना है कि अज्ञानता वो न आत्मा की बात है, और जो मन वचन का दिया है कुदरत ने और संजोग दिया है कुदरत ने, वो भी अज्ञानता नहीं है, क्योंकि वो तो कुदरत का है, मन वचन काया भी कुदरत का है, मन वचन काया भी कुदरत का है, मन वचन काया की अवस्था भी कुदरत की है, और इस तरफ आत्मा है। तो मिस्टेक कहाँ है, सिर्फ बिलीफ में, जिसको हम अज्ञान कहते हैं, यही हमारा पार्ट है। हाँ, बस ये मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि उसका मूल जो है वो अज्ञानता के कारण ये पूरी साइंटिफिक प्रोसेस होती है स्वामी जी। हाँ, तो नहीं, मगर हमारा हमारा क्या है, अज्ञान, बस वो हमारा है। हाँ, वो अज्ञान है, वो हमारा है, तो उसे बाकी अज्ञान से जो फल मिलता है, अज्ञान के भुगतान के लिए जो शरीर मिलता है, संजोग मिलता है, ये फिर कुदरत का है। हम तो सफर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ अज्ञान, द नेचर विल गिव द सफरिंग विद द हेल्प ऑफ बॉडी एंड सरकमस्टेंसेस। स्टेट दोनों कुदरत का ही है, क्योंकि वो खत्म हो रहा है। हाँ, कुदरत कुदरत का ही है, ये तत्वों की अवस्था है। हाँ, कुदरत का है, ऐसे हम कह भी सकते हैं स्वामी जी, मगर मुझे हमेशा लगता है कि ये कुदरत का हम कहते हैं क्योंकि कुदरत के थ्रू हमें मिलता है इसके लिए। हाँ, तो हमारा एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक और मनुष्य में आके हमारा जितना भी अवतार होता है, हमारा अगर एक ओनरशिप के रूप में टाइटल गिने, मालिक के रूप में टाइटल गिने, तो अज्ञान के अलावा हमारा कुछ तनथा न है और न रहेगा। और वो अज्ञान निकल गया तो फिर आपको यहाँ दुनिया में जगह नहीं मिलेगी, मोक्ष में जाना ही पड़ेगा आत्मा को। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। इतना ही सिंपल समझना है, एज अ साइंटिस्ट आपको क्लियर विजन होना चाहिए, मन वचन काया उसकी अवस्था वो भी कुदरत का है, भले अज्ञानता के आधार से कर्म बना उसका फल है, मगर फिर भी कुदरत का ही है और कुदरत के पास भी रहेगा। और आत्मा चेतन अविनाशी है, उसका तो कुछ होने वाला नहीं है। तो हमारा क्या है राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ पुरुषार्थ, इन टर्म्स ऑफ टू क्रिएट द कॉज, ओनली अज्ञानता।
और अज्ञानता को आप मिटा भी सकते हैं, अज्ञानता को बढ़ा भी सकते हैं, और अज्ञानता से कोई भी गति में जा भी सकते हैं, मगर सेंटर क्या रहेगा आपका? बाकी सब कुदरत का रहेगा। आपको देवलोक मिलेगा तो भी कुदरत का रहेगा, लाइफ मिलेगा तो भी कुदरत का रहेगा, संयोग मिलेगा तो भी कुदरत का मिलेगा, क्योंकि सफरिंग खत्म हो गया, यानी कम बेग दुनिया तो वही, देवलोक तो वही का वही रहेगा। हाँ, वो तो जैसे है वैसे ही रहने वाला है सब कुछ, क्योंकि ये अपने आप ही अपने आप में ही है। इसीलिए एज अ साइंटिस्ट आपको विजन में क्लियर होना चाहिए कि अज्ञान के अलावा हमारा कुछ नहीं। अभी जिससे हम रीबर्थ लेते हैं, जिससे हम चारों गति में घूमते हैं, वो अज्ञान हमारा है अभी, और वो निकल गया तो आत्मा को इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। तो मतलब ये जो है बात कि जैसे कि ये पूरा साइंटिफिक है, और ये जो है उसके जो कॉजेस है वो अज्ञानता के कारण डाले हुए हैं, उसका रिजल्ट ये आ रहा है, और उसका मगर है कुदरत का, कुदरत हमें देती है ये तो कह सकते हैं ना स्वामी जी हमें, कि नहीं कह सकते? हाँ, कुदरत देती है, मगर उसका सभी प्रकार के बॉडी कहो, सर्कमस्टेंसेस कहो, मटेरियल कहो, ये सब कुदरत का था, है और रहेगा। आप सिर्फ बिलीव के आधार से कर्म बांधे हैं, तो बिलीव के आधार से ही भुगतान करनी है। फिजिकल फॉर्म में न कुछ पा सकते हैं, न कुछ पाएंगे। कुदरत का इसलिए क्योंकि ये छह तत्व है, वो कुदरत के अंदर ही है इसके लिए। That's it. और छह तत्व की अवस्था भी उनकी तो है। बराबर स्वामी। चाहे मनुष्य लोक का बॉडी बने, चाहे पशु योनि का बॉडी बने, चाहे देवलोक का बॉडी बने, चाहे नरक लोक का बॉडी बने, रो मटेरियल तो कुदरत का ही है। हाँ हाँ, जड़ और चेतन तो हमारा तो नहीं पड़ता कुछ। हाँ हाँ, सही बात है। और जैसे आपके भाव जो होते हैं उसके हिसाब से आपकी गति भी होती है, यानी अज्ञानता से जो भाव होता है। मैंने क्या कहा था कि जैसे आपने पुण्य कर्म चार्ज किया तो कुदरत ने आपको पैसा दिया। एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आपने कर्म पाप किया था तो आपका पैसा किसने ले लिया? ठीक है, मगर जो पैसा आपको मिला वो बॉडी भी आपका नहीं था, पैसा भी आपका नहीं था, और पैसे से जो आपने चीज खरीदा वो भी आपकी नहीं थी। यू आर द सफरर ओनली, कि मेरे को मिला वो हैप्पी, मैंने यूज किया हैप्पीनेस, दैट्स इट, चला गया अनहैप्पीनेस। मगर है तो भी बिलीफ ही है ना एक्चुअली, तो हां, ये कर्म कैसे बनते हैं? कर्म कैसे बनते हैं? क्या कहा आपने स्वामी जी? कर्म कैसे बनते हैं? ये अज्ञानता से बनते हैं ना स्वामी जी, मगर बिलीफ ने, बिलीफ से। हाँ, और भुगतान भी कैसे करते हैं? और भुगतान कैसे करते हैं? भुगतान कैसे करते हैं? भुगतान सफरिंग से होता है ना उसका, नहीं बिलीफ से। हाँ हाँ, एक्चुअली बेसिकली वो सफरिंग है, मगर बिलीफ से कि मैं ये हूँ, तब रॉन्ग बिलीफ होती है, तो वो ज्यादा उसका ये आता है, पेन आता है। इसीलिए सफरिंग का मतलब होता है बिलीफ, बिलीफ होती बिलीफ है। हाँ, मतलब बराबर होता है। जो एक व्यक्ति को 5 रुपया दिया इसको इंसल्ट लगा, और दूसरे व्यक्ति को 5 रुपया दिया हैप्पीनेस लगा, तो बात कहाँ गई फिर? वो तो बिलीफ में ही आ गई ना, बिलीफ में ही होता है। कर्म भी बिलीफ से बनते हैं, सफरिंग भी बिलीफ से होता है, तो हमारे पास क्या है? हमारा सिर्फ बिलीफ, इसका एक नाम है अज्ञान, अज्ञानता। हाँ हाँ, बाकी पहले भी कुदरत का था, मिला तब भी कुदरत का है, और बाद में भी कुदरत के पास रहेगा। हाँ सही बात है। और क्योंकि हमें क्यों, हम इसके पार्ट क्यों बन गए हैं हम भुगतान के? क्योंकि अज्ञानता है इसके वजह से। That's it. तो वही तो मैं कहता हूँ। हाँ नहीं, सही बात है, आपके पास ये तो सीखा है स्वामी जी हमने। और इसीलिए नहीं नहीं मतलब आपका विजन, किसी के साथ बात करते हैं या तो सोचते हैं तो क्लियर होना चाहिए कि एक तरफ आत्मा है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ना प्लस माइनस होता है। एक तरफ कुदरत है आत्मा के अलावा, जो बाकी के 5 तत्व से बनी है, और तत्व के रूप में सनातन है, और अवस्था के रूप में टेम्पररी है, मगर वो अवस्था भी 5 तत्वों से बनती है, और विद द हेल्प ऑफ कुदरती कानून। हाँ हाँ, वो भी हमारा नहीं है। नहीं हाँ, वो अवस्था भी बनती है स्वामी जी, वो कुदरती कानून से बनती है, और वो भी साइंटिफिक ही है, ऐसे कहेंगे ना, जो अवस्था बनती है वो अज्ञानता के कारण। हाँ, कुदरती कानून के कारण वो कुदरती रचना में परिवर्तित होती है। हाँ, मगर हमारा क्या है अभी, राइट नाउ रियलाइजेशन के फॉर्म में,
हमारे पास रियलाइजेशन के फॉर्म में आत्मा नहीं है, ज्ञान के फॉर्म में आत्मा है, ज्ञान दृष्टि के फॉर्म में आत्मा है और दर्शन के फॉर्म में कुदरती रचना का ज्ञान है। ये दोनों हमारा है, ये हमारे पास जो प्रतिष्ठित आत्मा है उनके पास ये ज्ञान दर्शन है। हाँ। न उनके पास आत्मा है न उनके पास और पांच तत्व है, सिर्फ इसका ज्ञान दर्शन हमारे पास है। बराबर स्वामी, वो ज्ञान दर्शन का उपयोग हम सही नहीं करते हैं उसको अज्ञान कहते हैं। वो अज्ञान से कर्म बनते हैं। हाँ। और कर्म की भुगतान के लिए कुदरत हमको संजोग देती है, वो संजोग भी कुदरत का, शरीर भी कुदरत का, हम तो सिर्फ भुगतान करेंगे। हाँ, बराबर है स्वामी। और जब भुगतान खत्म हो गई तो कुदरत शरीर भी ले लेंगे, संजोग भी ले लेंगे। हाँ हाँ, क्योंकि पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है। याद जैसे आपको किसी ने कहा कि लो भी ये 10 करोड़ बंगला आपके नाम मैं कर देती हूँ, तो आपको लगा मैं बहुत सुखी हो गई। जब आपका आयुष्य कर्म खत्म गया वही बंगला आप छोड़ के चले गए। हाँ, तो ये स्वामी जी आप अभी भी नहीं है, सिर्फ बिलीप हुआ आपकी, तो आपकी ओनरशिप सिर्फ बिलीप पे है। बराबर है स्वामी जी, मगर मेरा ये कहना है कि आप कह रहे हैं, मैं अग्रीड करती हूँ उसके साथ में कि कुदरत ही ले देती है और ले लेती है, आप कहते हैं हमेशा, ये भी अग्रीड ही है, मैं ऐसे नहीं कहती हूँ। मगर मुझे क्या लगता है कि ये पूरा ही साइंटिफिकली होता है, जैसे कि कर्म बंधन है वो भी अज्ञान का कारण साइंटिफिकली होता है। जब कुदरती कानून बोलेंगे तो साइंटिफिकली नहीं हुआ। हाँ हाँ, और वो कुदरती कानून के हिसाब से कुदरती रचना तैयार हो जाती है, जब उसका भुगतान आता है तब हमारा ज्ञान दर्शन कि मैं कौन हूँ और ये कौन सब चला रहा है, वो अगर साइंटिफिक होगा तो उसमें से हम निकल भी सकते हैं, यानी हमें जो रचना के लायक और सहायक हमको मिलेंगे तभी। हाँ, लिसन, हमारे पास जो अज्ञान है एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय लेकर इंद्रिय ज्ञान का अज्ञान और बौद्धिक अज्ञान, वो है वो यही सम्यक ज्ञान समदर्शन दर्शन से उसको हम माइल्ड कर सकते हैं और मिटा सकते हैं। बराबर है, हम कुदरत को कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, संजोगों को भी कुछ नहीं कर सकते हैं और आत्मा को भी कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो ज्ञान क्या होना चाहिए, हमारा फोकस क्या होना चाहिए, प्रतिष्ठित आत्मा। प्रतिष्ठित आत्मा, अज्ञान बढ़ाओगे प्रतिष्ठित आत्मा, अज्ञान कम करोगे प्रतिष्ठित आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा ही है, प्रतिष्ठित आत्मा, डेवलपमेंट बढ़ाओगे प्रतिष्ठित आत्मा। हाँ, यानी हमारा ज्ञान दर्शन जितना क्लियर होगा, दोनों सब्जेक्ट हमारा पुरुषार्थ का नहीं है। हाँ, हमारा ज्ञान दर्शन क्लियर होगा, यानी क्या कहा स्वामी जी, ओनरशिप का नहीं है, ओनरशिप का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमारा ज्ञान दर्शन क्लियर हुआ हमारा, बराबर है, तभी हमें मतलब ये हमारे जो कर्म बंधन जो होते हैं वो मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक होंगे, अभी उसमें आगे जाने के लिए हमें ये मिलेगा उससे, बराबर है ना। एग्जैक्टली हाँ, मगर मेरा मेरा ये कहना है, अगर प्रश्न अगर दूसरे नहीं है तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ स्वामी जी। एक मिनट, टाइम भी हो गया है ना। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और कोई प्रश्न करने वाले है? एक हाँ, कमलेश भाई नो पाछो आई वो छे। ओके, तो आपका कंप्लीट कर दो, मारो कर ले, मेरा करते या। हाँ, स्वामी जी, मेरा ये कहना है कि जैसे हम कहते हैं कि कुदरत, आप बोलते हैं, मैं एग्री करती हूँ कि कुदरत देती और ले लेती है, आप बोलते हैं वो बराबर है, मगर मुझे ऐसे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो साइंटिफिक हो रहा है। ओके, और ये साइंस का जो साइंटिफिक प्रोसेस होता है उसका जो रिजल्ट आता है उसे हम कह सकते हैं वो कि कुदरत के थ्रू हमें मिलता है उसका रिजल्ट, वो तो कुदरती है, तो फिर कुदरत कहोगे, कुदरती कानून कहोगे, ये सब्जेक्ट कुदरत का ही तो है, देना लेना। हाँ। अवस्था खड़ी हाँ। करना तत्व के रूप में, तत्व के रूप में वो है, अवस्था के रूप में वो है, देने लेने वाला वो है, कर्म का कानून भी उसका है, तो वी आर द ओनली सफरर। तो ये पूरी जो प्रोसेस जो होती है ना, ये पूरी प्रोसेस है वो साइंटिफिक ही होती है, तो इसलिए तो कहा साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एविडेंस। हाँ हाँ, बराबर है स्वामी जी, वो तो कुदरती तो साइंस है। हाँ, मगर मैं क्या बोलती हूँ कि आप जो बोलते हैं कुदरत कुदरत करके आप बोलते हैं ना, वो लोगों को समझने में आसानी है। एक मिनट, दो बात आपको ध्यान में रखना है, आत्मा विज्ञान घन है और कुदरत विज्ञान है, विज्ञान में प्रोसेस होता है, आत्मा में प्रोसेस नहीं होती है। आत्मा विज्ञान घन है,
विज्ञान के आधार से अवस्था खड़ी होती है, आत्मा के आधार से अवस्था खड़ी नहीं होती है। आत्मा के आधार से अवस्था खड़ी नहीं होती है, विज्ञान के आधार से अवस्था खड़ी होती है। विज्ञान के, हाँ बराबर, विज्ञान के आधार से होता है जो पांच इंद्रियों से भुगतान कर रहे हैं, उस अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बराबर है, यानी आत्मा है वो विज्ञान घन है और कुदरत है वो विज्ञान, विज्ञान स्वरूप है। वो मैंने पहले भी बहुत बार कहा है ना, आपने किया, आपने कहा, आप बहुत सारी बातें कहते हैं मगर हमारी छूट जाती है। हाँ छूट जाती है, ऐसे होता है। यही तो मैंने कहा ना कि स्कूल में जाओगे कॉलेज में जाओगे तो क्या होता है कि एक साल के अंदर आपका ग्रेड बदल जाता है और यहाँ 15 साल से वही ग्रेड रहता है। ढगू पैसा ना ढची है ना हमें लोगों को। ऐसे मैंने लाइट लिया, को डोंट वरी। नहीं हो, पर अगर मैं भी सही बोलती हूँ ना कि जो भी यहाँ महात्मा, जो भी यहाँ साइंटिस्ट के रूप में जुड़े हुए और जो लोग साइंस को समझने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनका डेवलपमेंट होगा ही, उसमें कोई संशय नहीं है मेरे को। हाँ बराबर है स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच स्वामी जी। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। हाँ बोलो कमलेश भाई, चलो एक प्रश्न पूछो ना आपने। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आज अपना ये मुंबई आध्यात्मिक विज्ञान में एक टेबल आया है। टेबल आया, ओके। हाँ, उसमें एक बीच का जो टेबल है प्रतिष्ठित आत्मा का, तो स्वामी जी उसमें वो बाद में बात करूं, मैंने देखा नहीं, मैं 2 दिन से बिजी हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा है। नहीं, मैं खाली अपना वही बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि जो लिखा है वो मैं बताता हूँ कि उसमें ये इसके जो यात्रा है प्रतिष्ठित आत्मा की यात्रा, वो निगोद से लेके अपना केवल दर्शन तक है, राइट? ये है। तो स्वामी जी, हम लोग लास्ट टाइम विभाविक आत्मा की हम लोग जो बात की थी लास्ट संडे को, तो भाई वो बोला विभाविक आत्मा वो सब जो है अपना मनुष्य से शुरुआत होती है और अपना केवल दर्शन तक रहती है, तो कुछ अपना प्रिंटिंग एरर है कि क्या है स्वामी जी, वो मुझे एक चाहिए था। और दूसरा उसमें बोला अपना अंतःकरण जो है ना, अंतःकरण जो है वो वहां पे लिखा है, अंतःकरण मात्रा अपना प्रतिष्ठित आत्मा में लिखा है। तो स्वामी जी अंतःकरण दोनों अपना चार्ज एंड डिस्चार्ज दोनों में रहता है ना स्वामी जी? चार्ज डिस्चार्ज तो क्या? नहीं नहीं, उसमें खाली अंतःकरण, क्योंकि उसमें जो है प्रतिष्ठित आत्मा में अंतःकरण लिखा हुआ है और ये अपना दिस मैकेनिकल चेतन में अपना खाली बाह्यकरण लिखा हुआ है, इसलिए वहां पे 2 जगह पे कंफ्यूजन है, इसलिए बस उतना ही 2 चीज मुझे अपना दिखा दिया, इसलिए मैं बोला कि अपना ये तो करेक्शन की जरूरत है, बाह्यकरण अंतःकरण दोनों होता है, नहीं नहीं वही होता है। हां नहीं नहीं, बस वही अपना जो रहता है ना, इसलिए मैं बोला अपना जो करेक्शन, अपना वो जो अपने प्रिंटिंग एरर है कि क्या है वो, इसलिए मैं आपको पूछा था स्वामी। ओके 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 ओके, बात नहीं स्वामी। दूसरा फिनिश हो गया आपका, पर्सनल का है वो पूछने का था, लेकिन वो अपने नेक्स्ट टाइम पे अपने संडे को पूछेंगे स्वामी जी, वो आपको इसलिए बता दूं स्वामी जी, आपको कभी तन्मय का होने का अपना कोई प्रसंग आया कि नहीं आया, वो होता है तो कौन से उसमें होता है, तो आपको अपने संडे को जवाब दीजिए सर। नहीं नहीं, वो तो मैं अभी दे दूं, इसमें संडे की वेट करने की जरूरत नहीं। मेरे पास तो कोई, मैं कहां सोच के उत्तर देता हूं, तो नहीं 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 नहीं, आपको तन्मय का होने का, आपको देखो अपना स्वामी तन्मय का होने का भी आपको कभी कभी संयोग तो आते रहता है स्वामी जी। ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मैं अज्ञान पूरा नहीं होता तब तक वो संयोग तन्मय का होना तो कभी आ ही जाता है स्वामी जी, तो आपको तो थोड़ा बेनिफिट मिलेगा आपका कॉन्सेप्ट। नहीं नहीं नहीं, तन्मयकार होने का आपका वो होता है, हमने कहा कि तन्मयकार होना वो तो होगा ही, क्योंकि मैंने कहा कि भी अगर डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो गया है साथ का, उसके बाद भी 8 से 11 जो उपयोगी नहीं रहते वो तन्मयकारी तो है। हाँ बराबर है स्वामी, वो तो होगा ही, सवाल ही नहीं। और मैंने तो ये कहा कि अभी पूरा विज्ञान जो है, हम 7 स्टैंडर्ड की बात करते हैं जहाँ पूरा कंप्लीट साइंस समझ में आ जाता है, वो भी हमारा अधूरा है, आप समझे? ओके, तो उसमें भी कमी है, कंप्लीट समझ में आना फिर कंप्लीट एप्लीकेशन में आना, आप समझे ना? तो ऐसा कहना चाहते हैं पूरा दर्शन जो है वो
कंप्लीट समझ में आ जाता है, फिर उसमें okay. कोई मेरे क्वेश्चन नहीं, विज्ञान के रूप के विज्ञान okay. के रूप में कंप्लीट right. समझ में आ जाता है और okay, फिर okay. पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन के लिए 8 से 11 है वो अप्स एंड डाउन्स होता है, यहाँ ग्रेजुअली ग्रोथ है, यहाँ अप्स एंड डाउन्स है, ऊपर भी जाओ ऊपर भी जाओ जाओ, मगर 4 से 5 जाओगे 5 से फिर आप 2 पे नहीं आ सकते, नहीं वो बराबर है स्वामी, वो बराबर है स्वामी, तो ये समझना है तो कंप्लीट दर्शन होना और कंप्लीट कंप्लीट अनुभव होना, तो उसमें क्या होता है, मैंने मैंने उसी लिए तो मैंने कहा कि जब हम ज्ञानी पुरुष की बात करते तभी कहे थे कि 4% जो बाकी 4 अंक बाकी थे वो दर्शन के रूप में थे, बराबर है स्वामी, राइट राइट, मैंने खुद ने भी कहा है कि हमको अभी कंप्लीट समझ में नहीं आया है, बराबर है स्वामी, मतलब ठीक है लोग उनको नहीं समझ पाए तो इट इज ओके, और बात यही होती है, देखो केवल केवल 7वें गुण उठाने से फिर 8 से 11 तक में जो पुरुषार्थ की रेंज है वो 1 घंटे में भी हो सकती है, 10 अवतार में भी हो सकती है, ओके ओके स्वामी, समझ में तो आ गया है, अभी 48 मिनट एप्लीकेशन चाहिए, हाँ तो वो आपने वो स्वामी जी अपने वो अंतराय कर अंतराय का वो बीच में नहीं अंतराय कर्म नहीं आता है, ओके ओके, वो तो अंतराय कर्म अंतराय कर्म अंतराय कर्म कब बोलेंगे, जब आपको पुरुषार्थ करना है आप नहीं कर सकते तो अंतराय कैसे बोलेंगे, हाँ वही वही अपना क्योंकि अपना लास्ट भाव में लास्ट भाव की बात करते हैं, लास्ट भाव में अपना अंतराय होता है, बाकी कोई भाव में अपना अंतराय सब बिल्कुल नहीं, बाकी तो कर्म फल है, कर्म फल को लोग अंतराय कहे या न कहे वो सब्जेक्ट नहीं है, विघ्न बोलो या जो भी बोलो आपने जो भी, हाँ वो अंतराय शब्द मैंने कहा अंतराय शब्द वैसे खाली लास्ट भाव में रहता है, बरोबर स्वामी, हाँ लास्ट भाव में रहेगा, वो भी क्यों रहेगा, क्योंकि वो टाइम जोन बाकी है, टाइम बरोबर है, ड्यू पुरुषार्थ की कमी नहीं है, पुरुषार्थ की कोई कमी नहीं है, पुरुषार्थ की जरूरत भी नहीं है, ज्ञान दर्शन भी आपका कम्प्लीट है, मगर टाइम बाकी है उसको अंतराय कहेंगे, मगर फिक्स है आपका कब तक रहेगा वो भी, पुरुषार्थ नहीं है, नहीं वो तो स्वामी जी है ना, देखो अभी अपना ये अपना सीमंदा स्वामी का अभी आज का निर्वाण कौन सी डेट पे है वो भी आज के तक तय है, तय है क्योंकि डिसाइडेड मैटर तो तय हो गया ना भैया, डिसाइडेड मैटर है वो, और केवल ज्ञानी को केवल ज्ञानी देख सकते हैं, हाँ हम नहीं देख सकते हैं, केवल ज्ञानी देख सकते हैं मेरा निर्वाण कब होगा, उनको मालूम है, अगर कोई प्रश्न करेंगे भगवान को तो वो उत्तर देंगे, नहीं वो बरोबर, इसलिए तो स्वामी अपना देखो आगे जो 24 तीर्थंकर वे होने वाला है वो अपना तय है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए अपना पूरा कर्म बंद हो गया है, आती है 24 में अपना सबका जो है जी, इसी कारण से अपना पूरा हो गया है ना स्वामी जी, या, या, या। तन्मय का होता है लेकिन आपका कौन सा पर्टिकुलर कौन से टाइप का संयोग में अगर आप कह सकते हैं तो कौन से टाइप का संयोग में आपका वो तन्मय का होने का रहता है स्वामी जी, नहीं तन्मयकार का इम्पोर्टेंट न देके उपयोग का इम्पोर्टेंट दो, तन्मय का माने उपयोग विज्ञान का उपयोग, बरोबर है स्वामी, तन्मय का विज्ञान उपयोग नहीं रहता है, कुदरती रचना को जो 100% समझना है वो समझना है उसमें कमी आती है, ओके आप समझे ना, तन्मयकार शब्द कब यूज करेंगे हम, जब मोह होता है, मोह समझते हैं आप, राइट राइट बराबर है समझ, तन्मयकार बोलते हैं, अभी हमको मोह की बात नहीं है मगर विज्ञान जो खुलना चाहिए 100% वो नहीं खुला है, ओके वो मैंने 7 स्टैंडर्ड की बात बताया, तो अपने एप्लीकेशन में अपना थोड़ा कमी आ जाती है स्वामी जी, जब समझ में नहीं आएगा तो एप्लीकेशन में तो रहेगा ना, बराबर है स्वामी जी, राइट राइट, वो तो सिंपल बात है ना, जब जब कंप्लीट नहीं हुआ तो एप्लीकेशन कंप्लीट कैसे हो जाएगा, बराबर है स्वामी जी, राइट राइट, ओके ओके ओके, प्रार्थना बुला देते हैं अभी, जय सच्चिदानंद, हाँ जय सच्चिदानंद, यहाँ महात्मा सब बैठे हैं वो रिपीट करेंगे, ओके, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है आपका स्वरूप, वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, अज्ञानता के बस
अजागृति के वश, दृष्टि संबंधी जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय।